सभी मित्रों को नमस्कार। वनिका पब्लिकेशन के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं नव गीत के प्रतिस्थापक कह सकते हैं हम, डॉक्टर इंदिवर पांडे जी और हमारे आपकी कल्पना मनोरमा जी। तो हम आप दोनों का भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। परंपरा को निभाते हुए मैं पहले आप दोनों का संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ अपने श्रोताओं को, उसके बाद फिर हम विषय पर आते हैं। डॉक्टर इंदिवर का जन्म 20 मार्च 1953 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हरिहरपुर नामक स्थान पर हुआ। आपने कैरियर का प्रारंभ पत्रकारिता से किया। आपने प्रायः साहित्य की सभी विधाओं में लेखन कार्य किया है, किंतु आपका विशेष योगदान भारत के 5000 साल पुरानी छांदस काव्य परंपरा को समाप्त कर आयातित पाश्चात्य आधुनिकता बोध वाली गद्य कविता की स्थापना के विरुद्ध नवगीत की प्रतिस्थापना और प्रतिष्ठापना के लिए है। आपकी कई समीक्षात्मक एवं नवगीत पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। नवगीत में लोक चेतना, धूप खत लिखती है, ये नवगीत संग्रह है, नवगीत का दस्तावेज, सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा, गीत नवगीत और शंभुनाथ सिंह, अपनी सदी के स्थविर, अज्ञेय और शंभुनाथ सिंह आदि। इसके अतिरिक्त कौन तार से बीनी चदरिया, कबीर पर समीक्षा है ये आपके, तुलसी का क्रांतिदर्शी कवि और जीवन खोज, प्रसाद और स्कंदगुप्त, ये आपकी समीक्षात्मक कृतियां हैं। तो चुनरी लवंगिया की डार लिखी आखर थोरे, आतंकवाद की त्रासदी और लोकनायक राम, कामदेव की अदालत में, ये आपके निबंध हैं। इसके साथ ही जहां अंधड़ रेतीला है तथा आखिरी रास्ता आदि उपन्यास भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपने डॉक्टर शंभुनाथ सिंह साहित्य समग्र का 7 खंडों में संपादन किया है। इसी तरह आपने हृदय नारायण दीक्षित रचनावली का भी संपादन किया है, जिसके 7 खंड आ चुके हैं। गीत समय की शिला के आपकी सेवाओं पे एक दृष्टिपात करें तो अवकाश प्राप्त प्राचार्य साकेत पीजी कॉलेज कल्याण थाने मुंबई से आप संपादक रहे हैं, जैन साप्ताहिक दिल्ली में, संयुक्त संपादक दैनिक रूपरेखा कोलकाता में 1974 से 1977 तक, संयुक्त सचिव रामायण मेला चित्रकूट में रहे हैं आप 1979 से 1980। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्य भूषण सम्मान, अभी मंच साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा दिनकर सम्मान, मुंबई का सुप्रतिष्ठित साकेत ज्ञानपीठ सम्मान, वाराणसी का डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार, नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया उत्तर प्रदेश का नागरी भूषण सम्मान, रामानुज आलोचना साहित्य सम्मान, वाराणसी का पंडित कमलापति त्रिपाठी साहित्य गौरव सम्मान, कल्याण मुंबई का सृजन सम्मान व साहित्य साकेत सम्मान, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन द्वारा पहरुआ सम्मान, राधा ज्ञान फाउंडेशन वृंदावन द्वारा भक्ति रंग पुरस्कार व आरजेपी विद्या सम्मान सहित दर्जनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं आपको। संप्रति इस वक्त आप संपादक हैं शब्द बीज साहित्य व समय की पत्रिका। कल्पना मनोरमा जी का भी संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ आपको। उनका जन्म 4/6/1972 को, उनकी शिक्षा जो है वो कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक एवं बीएड इग्नू से किया है उन्होंने, एमए हिंदी भाषा में। इस वक्त वो अध्यापन और स्वतंत्र लेखन में रत हैं। प्रकाशित प्रतियों में उनका प्रथम नवगीत संग्रह है कब तक सूरजमुखी बने हम, 2 काव्य संग्रह उनके प्रकाशनाधीन है, अनेक प्रतिष्ठित पत्र व साझा संकलनों में कविताएं, गीत, नवगीत, लघु कथाएं इत्यादि प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका ब्लॉग भी है कस्तूरिया के नाम से, जिसका वे कुशल संचालन कर रही हैं। उन्हें दोहा शिरोमणि सम्मान 2014 मिल चुका है, वनिका पब्लिकेशन द्वारा लघु कथा लहरी सम्मान 2016, बैसबरा शोध संस्थान द्वारा नवगीत गौरव सम्मान 2018, प्रथम कृति पर सर्व भाषा ट्रस्ट द्वारा सूर्यकांत निराला सम्मान 2019 का आपको मिल चुका है। तो ये था आपका संक्षिप्त परिचय। अब हम विषय पर थोड़ी सी मैं
भूमिका बांध देती हूँ विषय की, बाकी बात तो कल्पना जी और डॉक्टर साहब करेंगे। समकालीन कविता के परिप्रेक्ष्य में नवगीत, ये हमारा आज का विषय है। समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्य आंदोलन है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नई कविता के बाद उनके काव्य आंदोलनों का प्रचलन हुआ। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार समकालीन कविता का प्रारंभ सन 1964 के बाद का माना जाता है। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की सूचक काव्यधारा है। समकालीनता बोध युग बोध की पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। नवगीत हिंदी काव्यधारा की एक नवीन विधा है। नवगीत एक तत्व के रूप में साहित्य को महाप्राण निराला की रचनात्मकता से प्राप्त हुआ। इसकी प्रेरणा सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रहीम, रसखान की प्रवाहमयी रचनाओं और लोकगीतों की समृद्ध भारतीय परंपरा से है। नवगीत विधा में गीत को संरक्षण प्रदान करने के साथ आधुनिक युगबोध और शिल्प के ढांचे में ढालकर उसको मनमोहक रूप आकार प्रदान करने का काम किया है। समकालीन सामाजिकता एवं मनोवृत्तियों को लयात्मकता के साथ व्यक्त करती काव्य रचनाएं नवगीत कहलाती हैं। नवगीत में गीत की अवधारणा कदापि निरस्त नहीं होती है, अपितु वह तो पूर्णतः सुरक्षित है। गीत के ही पायदान पर नवगीत खड़ा हुआ है। यदि कोई रचना सिर्फ प्रस्तुति के लिए ही जीवन का चित्रण करती है, यदि उसमें आत्मगत शक्तिशाली प्रेरणा नहीं है जो हृदय सागर में व्याप्त भावों से निसृत होती है, यदि वह जन चेतना को शब्द नहीं देती, यदि वह अंतस की पीड़ा की मुखर अभिव्यक्ति नहीं है, यदि वह उल्लसित हृदय का उन्मुक्त गीत नहीं है, यदि वह मस्तिष्क में कोई सवाल उठाने में सक्षम नहीं है, यदि उसमें मन में कौंधते सवालों का जवाब देने की सामर्थ्य नहीं है, यदि वह अमृत रसधार की वर्षा से जनमानस को संतृप्त नहीं करती, तो वह निष्प्राण है, बेमानी है। इसी दृष्टिकोण से किए गए रचना कर्म में नवगीत के प्राण है। किस तरह का होता है नवगीत वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। नवगीत में एक मुखड़ा और दो तीन अंतरे होने चाहिए। अंतरे की अंतिम पंक्ति मुखड़े की पंक्ति के समान हो, यानी तुकांत हो, जिससे अंतरे के बाद मुखड़े की पंक्ति को दोहराया जा सके। नवगीत में छंद से संबंधित कोई विशेष नियम नहीं है, मगर पंक्तियों में मात्राएं संतुलित रहे जिससे गेयता और लय में रुकावट ना पड़े। अब हम समकालीन कविता के साथ नवगीत की बात करें तो नवगीत वस्तुतः समकालीन कविता की एक सशक्त काव्यधारा है। इसमें आधुनिकता के नाम पश्चिम से आयातित चीजें नहीं है, न ही प्रदूषण फैलाने वाली सांस्कृतिक विकृतियां हैं। इतना जरूर है कि पश्चिम की कृत्रिम और प्रदूषण फैलाने वाली जहरीली सभ्यता और संस्कृति की विकृतियों और सामाजिक विद्रूपताओं का बेबाक वर्णन है। समकालीन हिंदी कविता के नाम पर जहरीली संस्कृति इस तरह फैली कि गद्य कविता और छांदसिक कविता दोनों इससे बेतरह प्रभावित हुई, किंतु इन दोनों के विपरीत एक ऐसी तीसरी छांदसिक कविता की अंतरधारा भी है जिसने हिंदी कविता की सांस्कृतिक और भारतीयतावादी परंपरा को कायम रखा तथा आधुनिक सांचे में ढलकर नवगीत नाम की सार्थकता प्राप्त कर रही है। ये 1970 के बाद की पूर्णतः विकसित और प्रतिष्ठित काव्यधारा है। नवगीत में भारत की जातीय अस्मिता, सांस्कृतिक परंपरा और इस देश के आम आदमी के दुख दर्द, हर्ष विवाद एवं उसके पर्यावरण का स्पष्ट और सहज आकर्षण है। इसमें पाश्चात्य सिद्धांतों और विचारधाराओं का कहीं भी अनुकरण नहीं है। इसमें लोकगीतों, लोक कलाओं, लोक प्रथाओं और लोक जीवन की जीवंत गेयात्मक छवियां प्रतिबिंबित हुई हैं। भारतीय जीवन की संपूर्ण संस्कृतियों, आचार विचारों को नवगीत ने आत्मसात किया है और उसे आधुनिक ढंग से भारतीय संदर्भ में प्रक्षेपित किया है। नवगीत में यह लोक नए ढंग से परिभाषित हुआ है। वैज्ञानिक समाजवाद जो आधुनिकता की मूल चेतना है के अनुरूप ही वर्ग समाज की समझदारी का उल्लेख नवगीत की आंतरिक चेतना को उद्घाटित करता है। शोषक वर्ग के हर फरेब के प्रति वह सजग है, उसे देखता है और पूरे मन से व्यक्त करता है। भारत की विशाल जनसंख्या में किसानों, मजदूरों, आदिवासी, हरिजनों, पिछड़े गांव के लोगों की पिस्ती जिंदगी, शहर की दुर्गंध भरी गलियों, फुटपाथों, झुग्गी झोंपड़ियों में उपेक्षित जीवन जी रहे सामाजिक लोगों तथा सामाजिक पुरुषों की ही भांति सामाजिक नारी का अधिकारहीन व्यक्तित्व नवगीत की कविता के कथ्य है।
डॉक्टर मोहनलाल तिवारी ने नव गीत को समकालीन कविता की प्रमुख और प्रतिष्ठित काव्य विधा स्वीकार करते हुए इसमें आधुनिकता के समस्त लक्षणों को पाया है। आधुनिकता के समस्त लक्षण यथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति, भाग्यवाद का बहिष्कार, यथार्थ से संबंध, लोक की महिमा, शोषित पीड़ित जन के प्रति आस्था, उनकी मुक्ति संग्राम में सहभागिता इत्यादि अनेक जो जन से जुड़े हुए विषय हैं, उन सभी विषयों को इसमें समाविष्ट किया जाता है। इसमें नई कविता जो है वो पाश्चात्य काव्यों में प्रचलित अस्तित्ववादी मनोविश्लेषणवादी मान्यताओं का सीधा अनुकरण है, किंतु नवगीत में ऐसा नहीं है। नवगीत आम आदमी की कविता है, इसमें पाश्चात्य सिद्धांतों और विचारधाराओं का अनुकरण नहीं है। उसकी विकृतियों और विसंगतियों का भयावह चित्र अवश्य प्रस्तुत किया गया है, इसलिए नवगीत का मूल स्वर आधुनिकतावादी है, जिससे उसका अस्तित्व कायम है। नवगीत के कथ्य और शिल्प दोनों में आधुनिक भावबोध और दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, इसलिए यह रचना प्रवृत्ति आधुनिकता को प्रस्तुत करने में सफल हो सकी है। यही कारण है कि यही सही मायने में आधुनिक कविता है। तो जो मैंने थोड़ा बहुत संक्षिप्त में तो नहीं कहूंगी, काफी कुछ बोल दिया है, तो भूमिका बना दी है मैंने। और अच्छी भूमिका आपने, कल्पना जी को अच्छी भूमिका आपने। थैंक यू। मैं कल्पना जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग अब डॉक्टर साहब इंदिवर जी के साथ में आप चर्चा जारी रखें। बहुत आभार नीरज शर्मा जी का और वनिका पब्लिकेशन का इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए और सर को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर और नवगीत की बात सुनकर और करके, आपने बहुत अच्छी भूमिका बांधी है और अच्छा लग रहा है। हैंग हो गया है लगता नीरज जी आपका। नहीं, मैंने बंद कर दिया है, अब आप लोग जारी रखिए चर्चा, मैं लास्ट में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक। तो हम बहुत आदर के साथ आदरणीय इंदिवर पांडे सर को मैं बुलाती हूँ मंच पर, और आपका स्वागत है सर, आप आइए। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की सूचक कापधारा है। समकालीनता बोध युग बोध की पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। आज मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे सारे प्रश्नों के को उत्तर आपके द्वारा मिल पाएंगे और हमारे प्रश्न संतुष्ट होंगे। और आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत सर। तो मैं पहला प्रश्न रख रही हूँ आपके समक्ष कि कविता को किस आधार पर सार्थक माना जाए। कविता की आलोचना में सामाजिक यथार्थ की खोज क्या उपन्यास और कहानी की तरह हो सकती है? आप की क्या राय और दृष्टि है इस पर? वाह कल्पना जी, सबसे पहले तो एक लाइन की बात मैं ये कहूंगा कि वनिका प्रकाशन के इस मंच पर नीरजा जी के आमंत्रण पर, नीरज जी के आमंत्रण पर आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। नवगीत के बारे में इतनी स्पष्ट और बेबाक बातचीत जो मुझे काफी प्रभावित की और मुझे अच्छी उनकी, यद्यपि कि आज ही मैं उनकी वो गद्य कविता कहिए या छंदमुक्त कविता कहिए जो है किसी पत्रिका में आई हुई है और मैं देख रहा था, इतनी बढ़िया है वो। लेकिन नवगीत के बारे में जो इनका स्पष्ट विचार है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी सूझबूझ को, आपके अध्ययन को और कविता में गहराई से पैठ या उसकी पकड़ की ओर सूचित करता है। प्रश्न
अपने आप में ही एक सेमिनार का विषय है। खैर, थोड़े में इस पर जो है मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपने वस्तुतः इस प्रश्न में दो प्रश्न किया है। एक प्रश्न आपने ये किया है कि समकालीन कविता या कविता की सार्थकता किस आधार पर मानी जाए, और दूसरा आपने किया है कि क्या कहानी और उपन्यास या नाटक की तरह जो है कविता की भी आलोचना की जा सकती है। जी जी। देखो भाई, ये जो सामाजिक यथार्थ की बात आप लोग करते हो या कोई भी करता है, हम भी करते, ये सामाजिक यथार्थ की जो अवधारणा है ये हिंदुस्तान में प्रगतिशील आंदोलन के बाद आई। इसके पहले तो हम कविता की आलोचना या कविता को समझने की जो कोशिश करते थे वो हमारे यहाँ रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीत संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय ये था, और रामचंद्र शुक्ल से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र तक की रस संप्रदाय के आधार पर कविता का विश्लेषण करने की एक परंपरा रही। पश्चिम में लुकाच जो था वो समाजशास्त्री था, साहित्य का आलोचक नहीं था, दार्शनिक था। सबसे पहले लुईस गोल्डमान ने साहित्यिक समाजशास्त्री के रूप में, एक आलोचक के रूप में, उसने जो है ये सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से आलोचना को शुरू किया, और उसने अपने जीवन में फ्रांसीसी नाटकों की और उपन्यासों की बड़ी गहन और बड़ी सफल आलोचना। लेकिन कविता पर लिखने का जो है साहस उसने नहीं किया, और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने सेंट जॉन पर्सी की कुछ कविताओं की आलोचना जो है करने की कोशिश की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। लेकिन उसने ये स्पष्टीकरण भी दे दिया कि हमने इसे उत्पत्ति मूलक संरचनावाद के आधार पर हमने इसका विश्लेषण किया, ये अपने आप में पूरा नहीं, ये अधूरा है, और शायद आगे इस पर कोई विश्लेषण करना है। बाद में गोल्डस्मिथ ने जो है कविता की सामाजिक समाजशास्त्री दृष्टि से या सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से आलोचना करने की कोशिश की। लेकिन एक बात है कि पश्चिम में भी इस बात को लेकर के काफी मतभेद रहा कि कविता की आलोचना जो है सामाजिक यथार्थ के आधार पर नहीं हो सकती, और विशेष तौर से जब आप प्रगीत या गीत की आलोचना करने के लिए चलते हो तो उसको आप सामाजिक यथार्थ के आधार पर अगर आलोचना करने की कोशिश करोगे तो जो उसकी भाषिक संरचना है, जो उसका कलात्मक सौंदर्य है, और जो उसकी प्रतीक पद्धति है, जो प्रतीक व्यंजना है, उसको आप जो है उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाओगे। गीत और प्रगीत के साथ जो है इस तरह की बात, और ऑर्डन ने तो इसको साफ साफ जो है लिखा भी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मुक्तिबोध ने भी कामायनी पुनर्पाठ के अंत में यह लिखा है कि कामायनी को केवल सामाजिक यथार्थ के आधार पर नहीं समझा जा सकता, कामायनी का जो कला सौंदर्य है उसे भी पाठकों को समझने की जरूरत है। तो सामाजिक यथार्थ को से कामायनी को समझा नहीं जा सकता, और कला के सौंदर्य को पाठकों को समझने के लिए जरूरत है पढ़ने की। कला के सौंदर्य तक पहुंचोगे कैसे, कैसे उसको समझोगे? तो उसका तरीका तो ये है कि सामाजिक यथार्थ को जानने के लिए पहले मुक्तिबोध को पढ़िए, और उसके बाद उसका कला सौंदर्य जानने के लिए नंदुलारे वाजपेयी को पढ़िए, तब आप उसके कला सौंदर्य को जान पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि मुक्तिबोध यह मानते हैं कि कामायनी की आलोचना करने में वे अधूरे हैं, और गोल्डमैन भी ये मानता है जो है कि वह भी कविता की आलोचना करने में पूरे अपने स्थिति पर तक पहुंच नहीं पाया,
इसलिए एक बात बहुत साफगोई के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कविता में सामाजिक यथार्थ की खोज उपन्यास और नाटक की तरह यदि होती है तो ये समझ जाइए कि कविता के विशिष्ट रूप के साथ जो है ये ज्यादती हो या उसकी पहचान के प्रति संकट पैदा करने वाला हो, क्योंकि उपन्यास और नाटक की तरह अगर कविता को समझा जाएगा तो या उसकी व्याख्या की जाएगी तो ये जो साहित्य का रूप है इसमें मानवीय अनुभव के रूपायित होने की जो विशिष्टताएं हैं उनकी उपेक्षा का अनुभव हो जाएगा, उनकी उपेक्षा करना हो जाएगा, क्योंकि यह जो प्रवृत्ति है यथार्थवाद को साहित्य का सार्वभौम प्रतिमान बनाए, उपन्यासों की आलोचना से, नाटकों की आलोचना से, और उसको समझने की जो प्रक्रिया है उसमें यथार्थवाद को साहित्य का सार्वभौम सिद्धांत बना दिया। फिर कविता की आलोचना में अगर यथार्थवाद को आप प्रतिमान की तरह सर्वत्र प्रयोग करेंगे और उपन्यास और नाटक की दृष्टि से कविता को देखने की कोशिश करेंगे तो ये बात समझ लीजिए कि यथार्थवाद की अवधारणा या उसका विकास जो है उपन्यास की आलोचना से ही हुआ है। और अधिकांश समाजशास्त्री उपन्यास और नाटक की आलोचना में इसका सफल प्रयोग भी करते हैं। यथार्थवाद के सहारे कविता में प्रतिबिंबन सिद्धांत को दोहराया जाता है। क्यों प्रतिबिंबन सिद्धांत को क्यों दोहराया जाता है? ये विचारणीय सवाल है कि क्या यथार्थवाद की अवधारणा की मदद से कविता की सार्थक आलोचना हो सकती है? वर्णनात्मक और कथ्यात्मक कविताओं में तो ये थोड़ा चल जाएगा, जो जिसे आप सामाजिक यथार्थ कहते हैं या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, तो जैसे नागार्जुन की कविताएं, कुछ कविताएं हैं, सब कविता नागार्जुन की भी नहीं, उसमें तो ये चल जाएगा। लेकिन वे रचनाएं जो प्रगीत की तरह की लिखी जाती हैं, छंदों में लिखी जाती हैं, प्रगीतात्मक संरचना जो है, उन कविताओं की व्याख्या अगर आप यथार्थवाद की तरह, यथार्थवाद को ही संपूर्ण मान करके अगर आप करेंगे तो वो उसकी व्याख्या में, उसके मूल्यांकन में सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रगीत प्रतीक पर निर्भर है, बिंब आश्रित है। और रूमानी भावबोध का अगर कोई गीत है, कोई कविता है, तो यथार्थवाद वैसे ही दुर्बल वहां हो जाएगा उसको समझने में, जैसे किसी समय बहुत मजबूत बहुत बलशाली था अर्जुन का गांडीव, लेकिन जनजातियों के सामने जो है वो निर्बल साबित हो। मैंने नाम लिया था उनका नागार्जुन का, शमशेर की कविता जो है छंद मुक्त कविता है या मुक्त छंद की कविता, आप शमशेर की कविता को सामाजिक यथार्थ पर नहीं समझ पाए, क्योंकि वो पूरी तौर पर जो है चित्रात्मकता की कविता। इसी तरह से नागार्जुन की जो कविता है, जैसे मान लीजिए उनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो यथार्थवाद पर समझा जाएगा, लेकिन अगर कुछ कविताओं पर यथार्थवाद लागू करेंगे तो आपको यथार्थवाद की सीमा का मूल्यांकन आपके दिमाग में अपने आप आ जाए। जैसे देखो उनकी कविता है नागार्जुन की, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव प्रहसन, या उनकी कविता है तुम रह जाते 10 साल और, या सत्य को लकवा मार गया, या एक उन्होंने 78 में एक गीत धर्म उनका छपा था, गीत क्या था, कविता छपी थी कि खड़ी फसल के बीच में अगर खड़े हो आप, पड़े जानवर सोच में हो बिछुआ को बाप, और कुंभकर्ण से भी अधिक तुम करते आहार, फंकी मार डकारते भारत की सरकार। तो यहाँ तो आप सामाजिक यथार्थ या तात्कालिक जो समसामयिक जो स्थितियां हैं उस पर विश्लेषण आप करोगे, लेकिन उनकी नागार्जुन की ही कविता है जैसे कालिदास सच सच बतलाना, इसको आप सामाजिक यथार्थ पर इसकी व्याख्या कैसे करोगे? या उनकी कविता है श्याम घटा सित बिजुरी रे, या सुजन नयन मन, या मेघ बजे, ये जो नागार्जुन की कविता है, आप इन कविताओं को यथार्थवाद के सहारे पर कैसे विश्लेषण? तो बहुत लंबा हो जाएगा, बात को यही
समाप्त कर जो तो मतलब अलगाव है, अलगाव है दोनों उपन्यास और कहानी, उपन्यास और नाटक की तरह में जो सामाजिक यथार्थ की दृष्टि है उससे कविता का मूल्यांकन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो अनुभव है संसार और जीवन का जो लेखक या कवि अनुभव करता है उसके अनुभव की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग अलग है। दो तरह की पद्धतियां होती हैं, अंतिम बात करके इस बात को खत्म कर दूं, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। दो तरह की पद्धतियां, उपन्यास में जो वो प्रातिनिधिक पद्धति का उपयोग होता है, प्रातिनिधिक पद्धति का, जैसे एक करेक्टर, एक कथा चल रही, एक जीवन चल रहा है, तो जीवन में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो है वो प्रतिनिधि होते हैं और उनके जो समूचे क्रियाकलाप है उनके आधार पर आप जो है वो उसका विश्लेषण करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन कविता में जो अनुभूति है, जो आपका अनुभव है, ये पहली जो वास्तविकता, एक बार जो अनुभव होता है उसका प्रतिबिंबन आपके भीतर होता है, आपके हृदय में होता है। एक वास्तविकता जो है आपके भीतर पुनर्वास्तविकता के रूप में रूपांतरित होती है और तब जो आपकी मानसिक अनुभूति है, आपकी जो व्यक्तिगत अनुभूति है, वह अनुभूति जाकर के कविता में जो है अभिव्यक्त होती है, तब वो सामाजिक अनुभूति बन जाती है। तो इसलिए दोनों अनुभूतियों में अंतर है, एक में प्रातिनिधिक पद्धति है, दूसरे में प्रतीकात्मक व्यंजना है। इसलिए नाटक और उपन्यास की तरह आप जो है कविता का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके मूल्यांकन के लिए उसकी भाषिक संरचना और उसके कलात्मक सौंदर्य को आधार आपको बनाना बता सकते हैं। मतलब कवि जिस भाव में लिखता है, जिस भाव भूमि में वो रुककर लिखता है, हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं, या जो आम पाठक है या जो कविता पढ़ रहा है वो आसानी से उस बात को नहीं पहुंच पाता है, उस धरातल पे नहीं पहुंच पाता है कि ये क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई और सही बात बताई। सर अगला प्रश्न है कि आप अपनी दृष्टि के आधार पर समकालीन कविता को कहां तक सार्थक मानते हैं? देखिए कल्पना जी, ये प्रश्न भी बहुत कठिन है। समकालीन कविता, जैसा वो नीरज जी कह रहे हैं कि सन 60-65 के बाद की जो कविता की प्रवृत्ति है उसको जो है समकालीन कविता माना जाता है, बहुत सही बात है। दरअसल समकालीन कविता जो है, आप ये मान लो कि नई कविता में जब बिखराव पैदा, क्योंकि नई कविता का जो आंदोलन था वो आंदोलन था और हर आंदोलन की नियति होती है कि एक चरम पर पहुंच के वह समाप्त हो जाता है, तो संसार आते आते नई कविता जो है बिखराव हुई और उसमें विराम लग गया और अनेक आंदोलन हो गए, कविता आंदोलन और प्रतीकात्मक आंदोलन, दादावादी, मतलब जगदीश गुप्त के शब्दों। तो उस बिखराव के बाद ये हुआ कि इसको जो है एक नाम दिया, समीक्षकों ने उसका नाम दिया समकालीन कविता। कालवाचक विशेषण है, इसलिए एक निश्चित कालावधि की अपेक्षा दूसरे निश्चित कालावधि की अपेक्षा होती है समकाल को समझने। अब प्रश्न ये है कि समकाल में जो कविता लिखी जाने लगी उसमें जो मूल बात समझने वाली है वो ये है कि ये जो समकालीन कविता है उसमें कविता की समकालीनता किस सीमा तक है। एक चीज तो ये देखना होगा कि वो सार्थक है कि नहीं, इसको किस सीमा तक उसकी समकालीनता है, और दूसरी चीज ये देखनी होगी कि क्या ये सार्थक कविता है। अब क्या कि समकालीन कविता की आलोचना या जब समझ जो है पैदा करने की कोशिश की जाए तो मूलतः ऐसा होता है कि हर लेखक, हर आलोचक अपने चश्मे से उसको देखने की कोशिश करता है, अपने शिविर और अपने खेमे के हिसाब से उसको देखने की कोशिश करता है। जैसे एक गांव था, तो गांव में एक हाथी गया, हाथी किसी ने नहीं देखा था, सब अंधे थे,
सात अंधे थे, तो हाथी का जो शरीर का जो अंग उनके हाथ पे आया, कहा कि हाथी ऐसा है, ऐसा किसी को, हाँ, कान आया तो कहा सूप जैसा है, पूंछ आया तो कहा सांप जैसा, जैसा जिसके महसूस किया वैसा कहा। समकालीन कलियुग के साथ ही जो जैसा महसूस करता है वैसा उस कविता को कहने लगता है, उसका कोई एक रूप या एक सिद्धांत जो है वो समझ में जो है नहीं आ पाता। दूसरी बात यह है कि समकालीन कविता जिस समकालीनता को लेकर अधिकांश वो समसामयिक तरीके की रचना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई घटना हो, कोई पॉलिटिकल घटना, तो पॉलिटिकल घटना का जो वो एक क्षण की चीज है, अखबार में कोई चीज आई आज पढ़ी गई कल बासी, आप अगर उसी को अपना जो है कथ्य बना लेंगे तो वो समसामयिक होगा, जो समसामयिक होगा वो एक क्षण के बाद एक समय के बाद समाप्त। तो जो समसामयिकता है वो समकालीनता नहीं है। समकालीन रचना वह है जो जो जैसे ये जो 70 के बाद की 80 के बाद की जो स्थिति है वो स्थिति संक्रमण की, तब से लेकर के आज तक 9वें दशक 8वें दशक से लेकर के आज तक भारतीय समाज जो है एक संक्रमण के युग से गुजरता है। तो ये जो संक्रमणशीलता है इसकी जो अनुभूति है जिस कविता में इसकी प्रविष्टि है या जिस कविता में इसकी अभिव्यक्ति है वह समकालीन कविता है। और यह जो समझ है और इस समझ का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें स्थायित्व होना चाहिए, उसमें क्षणिकता अगर है या क्षणिक घटनाओं के आधार पर है तो यह बात तो कथा में चल जाए या कथात्मक कविता में चल जाए, लेकिन कविता का जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर है उसमें जो है क्या नाम है नहीं चल पाए। तो सार्थक कविता आप उसे मान सकते हैं जिसमें कि भारतीय कविता का जो शाश्वत प्रतिमान है, जिसमें कथ्य की नवीनता है, जिसमें अनुभूतियों की सघनता है, जिसमें वैज्ञानिक जीवन दृष्टि है, जिसमें यांत्रिक चीजों की अभिव्यक्ति है, ये जो चीजें हैं ये जिन रचनाओं में है जिनमें है समकालीन कविता। अगर एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि समकालीन कविता को अगर आप पढ़ने की कोशिश करो और उसका विभेद करो, उसको मजबूती से पढ़ करके, तो वह जो है उसके कई भेद आपके सामने। एक मूल चीज होती है समकालीन कविता के बारे में कहा जाता है वो विचार है, विचार कविता है। तो विचार कविता अगर आप निबंध की तरह प्रस्तुत करो तो उसमें काव्यात्मकता कहाँ रह जाएगी। मैं एक उदाहरण आपको जो है दे करके इसको बहुत लंबा न खींच करके कैलाश वाजपेयी की कविता एक खंड मेरे सामने, मैं उसे उद्धृत करता हूँ। होती है देह फिर होकर नहीं हो जाती है, कहाँ से आती है देह कहाँ जाती है, सुख सोख लेती है सब दुख भोग लेती है, चले तो चलती जाए 100 साल, वरना यह फसल है खेती धान की जिसके कटने की पकना कोई शर्त नहीं। ये कविता कबीर और तुलसी के वैराग्य पदों जैसी है, नश्वर देह के प्रति दार्शनिक गहराई है, अस्तित्ववाद का प्रभाव है। किंतु आज के विखंडनवादी जो है, जो उत्तर आधुनिकता के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये तो साई मूलकरा का समय है। तो ये जो विखंडनवादी हैं, ये अपने एब्सर्ड कविता को ही जो है वो समकालीन कविता बताएंगे और उसी को ही समकालीन कविता मानेंगे, जबकि इस कविता को आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से समझ में आने के कारण यह सार्थक कविता है। इसी तरह से एक भेद उसका किया जा सकता है समकालीन कविता का, वो है भावात्मक तरीके की कविता या भावात्मक कविता। अब आप जैसे ललित शुक्ल की एक कविता मैं रख रहा हूं,
बिना व्याख्या के सीधे से आज धरती पर आसमान झुक आया है, आज धरती पर आसमान झुक आया है, आएगी सूधी गंध कुछ ही क्षणों में, जल भार का दबाव होगा उमंगित होकर थरा उभरेगी बरसने बादल बूंदों बूंदों, सराबोर होंगे ग्रीष्म के ताप से छुलसते हुए, हृदय का गान भर जाएगा अंतःस्थल सरोवर का, नदी बहेगी बड़े चाव से सागर की ओर, नीर नीम लहरा उठे। अब समीक्षक कहेंगे कि ये आधुनिकतावादी कविता या समकालीन कविता की सीमा नहीं, लेकिन यह कविता एक विशेष किस्म के जो है खंड का चित्र प्रस्तुत कर रही है। अपनी चित्रात्मकता के कारण इसका प्रभाव जो है गहरा है, इसलिए ऐसी कविता जो है सार्थक कविता मानी जा सकती है। इसके अलावा बहुत से भेद जो है कविता के, इस समकालीन कविता के किए जा सकते हैं, 25-30 भेद मैंने अपनी किताब में किया है सार्थक कविता की धुरा स्वर्णोपित नामा में। अब वो सब कहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक अंतिम बात इसमें कहूंगा कि एक कविता इसमें, एक जो समकालीन कविता में सबसे बड़ी खराब बात वो है जो जुगुप्सा जनित कविता है अपनी भाषिक संरचना में और अपने कथ। मैं एक बहुत नए मतलब पिछले 18 में जो है किसी पत्रिका में बहुत सी उस तरह की कविताएं निकली थी, मैं कुछ शब्दों का नाम इस कविता को करने में नहीं लूंगा। जैसे देखिए एक महिला की ही कविता है, हे वीण शुभ रास्ता दीदी, तुम्हारी जनिद्या की ज्ञान अज्ञान की तीक्ष्ण नाक सुघड़ अधर सुदीर्घ कंठ वाली उन्नत उरोज छीण कट घने केश वाली या सपाट, आगे का शब्द मैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया है नहीं कहूंगा, स्थूल कट श्वेत केश वाली सुंदर रोमावल युक्त, आगे का शब्द नहीं कहूंगा वाली, या श्याम वर्ण, आगे का शब्द नहीं कहूंगा वाली, तुम्हारे लालिमा युक्त चरणों की जय। इसमें सरस्वती के उन अंगों की बात कही गई है जिनको मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्हें कोई आदमी जो शिष्ट आदमी अपने जबान से नहीं कह सकते। बहुत सारे उदाहरण जो मेरे पास हैं, अगर इस तरह की कविता को ऐसी समकालीन कविता अगर सार्थक कविता मानना होगा तो मेरे जैसा आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और इसमें चाहे जगदीश चतुर्वेदी हो, जैसे जब वो ये लिखते हैं कि काश हर मर्द में दिमाग न होता और संभोग शक्ति कुत्ते जैसी होती, न टूटते घर न होते तलाक, जिंदगी कितनी दिलकश। तो चाहे वो जगदीश चतुर्वेदी हो, चाहे लीलाधर जगदी हो, और चाहे श्याम परमार हो, या वो सौमित्र मोहन हो जो लुकमान है, या धूमिल है जो लिखते हैं जो है कि मैं औरत के मासिक का लगता हूँ, ऐसी कविताएं जो है सार्थक कविता नहीं मानता हूँ। कल जिसमें कविता के शाश्वत प्रतिमान हो, जिसमें नाद सौंदर्य हो, जिसमें अन्यता हो, जिसमें भाषिक संरचना का सौंदर्य हो, कलात्मकता हो, बिंब हो, प्रतीक हो, लक्षणा हो, ऐसी जो कविता है वो सार्थक कविता। मतलब कविता में कलात्मकता होना जरूरी है, कविता अगर है चाहे वो समकालीन हो या कोई भी हो, कलात्मकता होना अति आवश्यक है। और बहुत अच्छे से कलात्मकता होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है सामाजिक यथार्थ के नाम पर आप जो चाहे वो कहने की स्वच्छंदता आपको नहीं मिल सकती है। ये हमारा ही पूंजीवादी जनतंत्रात्मक देश है कि इसमें आप जो चाहे वो कहें, हर जगह बहुत जगह इस तरह कहने की छूट नहीं। जी जी सर, आवाज थोड़ी कट रही है आपकी तरफ से। अगला प्रश्न रख रही हूँ कि साहित्य की विभिन्न विधाओं में आपने लिखा है, आपकी मूल पहचान नवगीत समीक्षक की है,
निश्चित ही आप वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नवगीत पर इतना गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य किया है। नवगीत को कविता या समकालीन कविता से अलग आने की जरूरत क्यों पड़ी? कल्पना जी, देखो, नवगीत, सच पूछे नवगीत ने अपने को किसी से नहीं अलगाया। जिसने भी अलगाया उसने नवगीत को अलगाया। नवगीत ने अगर अपने को अलगाया तो केवल उस गीत धारा से अलगाया जो बिल्कुल ही उबाऊ, बासी और लिजलिजी भावता वाली, तो उससे जो है नवगीत ने अपने को नया किया, परिमार्जित किया, संशोधित किया, परिवर्तित किया, विकसित, तो उससे तो उसने अपने को अलग किया। और जब जो है 1943 में तार सप्तक आया, प्रयोगवाद शुरू हुआ, उसके बाद 1951 में जो है दूसरा सप्तक आया, और अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा कि इसमें संकलित कवि प्रयोगशील, 51 में उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा कि इसमें सभी कवि जो है इसमें संकलित कविताएं मुक्त आसंग की कविताएं, तथा जिसको आप अंतश्चेतनावाद कहते, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद कहते, वही जो है मुक्त आसंग है, मनोविज्ञान की शब्दावली, संबंधहीन संबंधों की स्वीकृति का नाम मुक्त आसंग है। मन जो है ये दो प्रकार का, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस, तो कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाते हैं और सामाजिक रूप से उन्हें स्वीकृति नहीं पाते। चेतन की बात आप कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, जो आपके अवचेतन या उच्चेतन में बैठे हुए संबंध हैं, ये संबंध बड़े गहरे होते हैं, तो इनको लेकर के इन कुंठाओं की अभिव्यक्ति जो है उसको नई कविता। लेकिन नई कविता की बड़ी विशेषता जो 1951 में नई कविता वास्तव में जो है वो शुरू हुई, प्रयोगवाद तो 43 में शुरू हो गया, तो उसकी एक बड़ी विशेषता ये थी कि छायावाद के बाद नई कविता ही एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो उदारवादी, उसमें सभी छायावाद उत्तर काव्य प्रवृत्तियों का संश्लेषण हो गया, तो उसमें सब था, उसमें व्यक्तित्व स्वच्छंतावाद भी था, प्रगतिवाद भी था, प्रयोगवाद भी था, राष्ट्रीयतावादी कविता, मतलब लंबी कविताएं भी थी, छंदोबद्ध कविताएं थी, और मुक्त छंद की भी कविताएं। तो वहां जो है उसे नई कविता का गीत कहा। अच्छा, सप्तकों में जो जिन्हें स्थान दिया गया उन्हें नई कविता का गीत कहा। अच्छा। लेकिन एकाएक 60 बीतते बीतते एक 60 और 65 के बीच में एक ऐसा दौर आया कि ये एकदम घोषणा कर दी गई कि गीत जो है लिखना वो पिछड़े पन की निशानी है, इसमें आधुनिकता बोध को नहीं रूपायित किया जा सकता, छंद जो है वो कोमल होते हैं, के बंधन टूट जाते हैं, और इसलिए जो है गीत को या नए ढंग का भी जो गीत था जिसे नई कविता का गीत आप कहते हैं उसे पत्रिकाओं में छापना बंद कर दिया गया, पाठ्यक्रमों में रखना बंद कर दिया गया, तो एक साजिश करके जो है उसको हटा दिया गया कविता की सीमा से। उसकी अगर और व्याख्या करूंगा और बात करूंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ तो बहुत लंबा हो जाएगा, कहने का मतलब कि उसको खुद ही हटा दिया गया। तो जब उसको हटा दिया गया तो जो प्रातिभ कवि थे जिनमें छंद लिखने की वह ऊर्जा थी जिसमें वह समकालीनता और आधुनिकता बोध को बांध सकते थे, उन लोगों ने फिर जो गीत के रूप में इसे लिखना शुरू। अब शुरुआती दौर में तो सब गीतकार थे, अज्ञे भी थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे, गिरजा कुमार माथुर थे, और वो जो है उनका क्या नाम है, प्रभाकर माचवे ने भी जो है गागा हलवा है
करके गीत लिखा, रामविलास शर्मा ने हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की लिखा जो इस तरीके से, और दूसरे सप्तक में तो सब जो है क्या नाम है अधिकांश गीतकार चाहे रघुवीर सहाय थे चाहे धर्मवीर भारती चाहे शकुंतला सब उसी तरह विदेश कहता थे सब उसी तरह के थे जो, लेकिन जब जो है ये हुआ कि भाई अब इसको लिखना इनके साथ संभव नहीं, तो इन लोगों ने शंभुनाथ सिंह है उसमें जो है वीरेंद्र मिश्र है उसमें बहुत हद तक जो है जानकी वल्लभ शास्त्री है सलभ श्री राम सिंह है आर सी प्रसाद है परवर्ती समय में देवेंद्र शर्मा इंद्र है इन लोगों ने जो रविंद्र भ्रमर है इन लोगों ने नए ढंग का जो गीत लिखना शुरू और फिर जो है ये कहना पड़ा भाई कि नवगीत है और उसको गीत के विकास के रूप नवीनता समकालीनता से जो है क्या नाम है जोड़ करके नई और नई शैली के साथ अलग राह करनी पड़ी और अलग आंदोलन तो नवगीत में करनी आन है एक अलग अभियान चलाना पड़ा जो है गीत के परिमार्जन का और भारतीय काव्य परंपरा की वापसी का या भारतीय काव्य परंपरा को निरंतर चलाए ये जी। तो नवगीत और कविता को अगर एक पंक्ति में अलग समझने के लिए जैसे हम जैसे नए लोगों के लिए एक पंक्ति में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मतलब कैसे अलग है समकालीन कविता और नवगीत समकालीन कविता और नवगीत अलग है भी और अलग नहीं भी। देखो नवगीत जो है वह समकालीन कविता की जो भारतीय काव्य परंपरा है उसकी अधुनातन कड़ी या यूं कह सकते हो कि समकालीन कविता की जो धारा है नवगीत उसमें छंदोबद्ध अधुनातन टटकी और सार्थक धारा है आप ये कह सकते। दूसरी बात समकालीन कविता को और नवगीत को अगर अलग करना होगा तो इस मायने में उसको अलग करना होगा कि जो भारतीय काव्य परंपरा की छंदोबद्ध धारा है जिसकी सोच भारतीयतावादी है जिसमें भारतीय ढंग की आधुनिकता है जिसमें परंपरा से निकली हुई नवीनता है जिसमें ये नवगीत और जिसमें पाश्चात्य काव्य प्रवृत्तियों की अधिकता है जिसमें पाश्चात्य शैली के शिल्प के आधार पर कविता जो है लिखी जाती है जिसमें अंतरराष्ट्रीयता के नाम पर राष्ट्रीयता को गौर किया जाता इस तरह की जो कविता है वो समकालीन कविता है और उससे जो है नवगीत अलग बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर अगला प्रश्न है हमारा कि नवगीत का उद्भव आप कब से मानते हैं और नवगीत का प्रवर्तक कौन है। आपने अपनी पुस्तक सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा में शंभुनाथ सिंह जी को नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना है, फिर राजेंद्र सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है। सर प्रश्न को दोहराऊं? नहीं नहीं दोहराइए मत, असल में बड़ा विवादास्पद सवाल आपने उठा दिया है। खैर हमने तो लिखा ही है उस किताब में जिसका आपने जिक्र किया और किताबों में हमने इसको लिखा है। देखो नवगीत आप कहना ये चाहती हैं कि नवगीत का उद्भव जो है कब से है और नवगीत का जो है प्रारंभ किसने किया है और किसे आप नवगीत का जो है प्रस्तुतकर्ता या प्रस्तोता मानते हैं, यही मेरे ख्याल से आपका सवाल है। जी जी बिल्कुल। मैंने उस किताब में भी लिखा है और हर जगह मैंने लिखा है। साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति कोई भी धारा किसी
एक व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित नहीं। पीछे की बातों को छोड़ दीजिए, अगर आप नई कविता और नवगीत की ही बात करें तो किसी एक व्यक्ति ने न तो नई कविता का प्रवर्तन किया है और न तो किसी एक व्यक्ति ने नवगीत का प्रवर्तन किया। नई कविता के प्रवर्तन बहुतों का एक बात और मैं कि समस्त उत्तर का भी उसका बीज बोने का निराला है। और ये प्रगतिशील आलोचक भी मानते हैं और जो नई कविता के आलोचक है राम स्वरूप चतुर्वेदी वगैरह ये लोग भी मानते हैं। जैसे वो कहते हैं कि निराला का जो की जो रचना वह तोड़ती पत्थर है वो नई कविता है और निराला का जो वो गीत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नई कविता का बीज जो है बोया है निराला। इसी तरह से नवगीत का बीज भी निराला ने ही बोया है। जब जैसे वही आलोचक कहते हैं कि इसने निर्जर पै गया जो है ये गीत है या प्रगीत है, इसी तरह से निराला की बहुत सी रचनाएं बांधो नठाओ स्नाव बंद पूछेगा सारा गांव बंद या भीख मांगता है वह यहाँ ये जो है या बादल के किनारे दोहरी थी क्या घनी दोहरी थी, इस तरह की जो निराला की रचनाएं वो उनकी गीतिका में ऐसी रचनाएं हैं और उनमें उनकी जो बेला और नए पत्ते नाम की पुस्तक है बेला में कम से कम 20 गीत ऐसे हैं जो नव तो अच्छा बीज तो नवगीत का जो है बोया है निराला और निराला के बाद बहुत से लोगों ने इस तरह का गीत लिखना शुरू किया। मैंने टेढ़े ढंग का निराला के बाद वो हमने नाला आप से पहले ही हमने जो लिया प्रचार और प्रसार में लाने में उसे जनता तक पहुंचाने ये नियम कि कोई चीज पहले जो है हवा में फैलती हवा में फैल करके वो जो है क्या नाम है लोगों के द्वारा एडॉप्ट की जाती है अधिकांश के द्वारा एडॉप्ट की जाती है और जब वो एडॉप्ट कर ली जाती तब जाकर के वह क्या नाम है मूल्य बन जाती है प्रवृत्ति बन जाती है या कोई जो है स्थापना हो जाती है स्थापित हो जाती है। तो जो व्यक्ति इस काम को करने वह व्यक्ति पुरोधा होता है उन्नयन करता होता है या प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से नई कविता के संगठन को बनाने में और संगठित तरीके से आंदोलन के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण करने में अब भी इतनी कविता लिखी है और बहुतों ने अपने तरीके से योगदान दिया है जगदीश गुप्त ने दिया रजनीकांत वर्मा ने दिया है ऐसे बहुत से लोगों के नाम जो है लिए जा सकते हैं लेकिन उसमें जो है सबसे नक्षत्र के रूप में उसी तरह नवगीत को प्रतिस्थापित मतलब करने में और प्रतिष्ठापित करने में उसे प्रतिष्ठा जो योगदान संगठन तरीके से डॉक्टर किया है उसके माध्यम से उन्हें उसका उन्नायक या उसका प्रस्तुतकर्ता या उसे प्रतिष्ठापित करने वाला माना जा सकता है। अब सवाल आपने किया कि नवगीत का पहला आदमी किसको माना जाए किसने हाँ। देखो दो तरह की बात है। अगर केवल नवगीत शब्द कह देने मात्र से या लिख देने मात्र से कोई व्यक्ति प्रवर्तक हो जाए
तो बहुत से लोग जो है हो जाएंगे। अब आप अर्थात को सर्प कह दीजिए जो है, आप प्रवर्तक नहीं हो जाएंगे। हाँ। उसी तरीके से कनेक्शन टूट गया है लगता सर का। कनेक्शन टूट गया है। आ गए हैं सर, आ गए। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, आ गए, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। जी हाँ, बीच में छूट गया था, फिर हाँ, कनेक्टेड करने कनेक्शन लगा टूट था। गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, टूट गया था कनेक्शन। हाँ, जरा सा बंद कर लें एसी की हवा। हाँ, छूट गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, ये भी इतना ही सच है कि इलाहाबाद में परिमल नाम की एक संस्था, और इस संस्था ने नई कविता की स्थापना में जो है बहुत बड़ा इसका योगदान। ये संस्था जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त ने बनाई थी, और इसकी जो मासिक गोष्ठियां होती थी इसमें अज्ञेय भी जाते थे, और इसमें कुनाथ सिंह भी जाते थे, इसमें धर्मवीर भारती भी होते थे। कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर और उधर रायबरेली वगैरह, बैसवारा का जो ये सब इलाका था, वो सब उस गोष्ठी में जो है वो महीने में एक गोष्ठी होती थी, और इतनी दूर दूर से लोग उसमें जाते थे, उसमें रचनाएं पढ़ी जाती थी, बहस होती थी, ये सब चीज। तो सबसे पहले परिमल ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में एक जो है नई कविता सम्मेलन किया। नई कविता के उस सम्मेलन में सब लोग नई कविता सुना। उसी सम्मेलन में जब वहां धर्मवीर भारती भी थे, वहां अज्ञेय भी थे, वहां भवानी प्रसाद मिश्र थे, वहां लक्ष्मीकांत वर्मा थे, ये सब लोग उसमें। तो जब कविता जो है क्या नाम है, सब लोगों ने सुनाया, शंभुनाथ को जब सुनाने की बात आई तो शंभुनाथ ने कहा अन्य साथियों ने नई कविता सुनाई है, मैं एक नवगीत सुनाने जाता। और वहां उन्होंने जो कविता पढ़ी, वो कविता उन्होंने पढ़ा कि मन का आकाश उड़ा जा रहा पुरवैया धीरे, तीन चार कविताएं उन्होंने पढ़ी। बसते हैं ढोल कहीं पूजा या रुंझुन बिछिया झिंगुर वाली किंग किंग जो बप्पा, ये सब कविताएं वहां उन्होंने पढ़ी। अब ये कहिए कि इसका प्रमाण क्या है आज की तारीख। तो भैया प्रमाण देखोगे 1978 में रामायण मेला स्मारिका छपी, जगदीश गुप्त जो है, जगदीश गुप्त, ब्रजेश्वर वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सब लोग वहां उपस्थित रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू उस पत्रिका में छपा, जिसमें जो बात ये मैं कह रहा हूं ये जगदीश गुप्त ने उस इंटरव्यू में यह बात कही। और इस तरह के और भी जो है शोध ग्रंथ है, शिवप्रसाद सिंह के निर्देशन में एक शोध ग्रंथ है जिसमें यह बात आई हुई है। अच्छा। जिसको रमेश कुंतल भी और सूर्य प्रसाद दीक्षित, जिसके जो है क्या नाम है, एक्सपर्ट रहे हैं, जिसका जांच करने वाले से पीएचडी अवार्ड हुई, तो ये बात आई है। लेकिन फिर भी राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखित रूप से नवगीत शब्द का प्रयोग किया है, मगर यह बात मैं कह दू बहुत साफ साफ कि राजेंद्र प्रसाद सिंह के दिमाग में नवगीत का जो कॉन्सेप्ट है वास्तविक कॉन्सेप्ट ये नहीं था, वो क्लियर नहीं था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने गीतांगिनी की भूमिका में जो है उन्होंने लिखा है कि समकालीन हिंदी कविता महत्वपूर्ण और महत्वहीन रचनाओं के आंदोलन में गीत परंपरा नवगीत के निकाय में परिणित पाने को सचेष्ट। ये गीतांगिनी की भूमिका में उनकी ये लाइन है। उसके आगे लिखते हैं,
नवगीत स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 3 दशकों में विकसित वह नवीन काव्य धारा है जो एक ओर तो पारंपरिक गीत धारा से नितांत भिन्न है, दूसरी ओर समसामयिक नई कविता के कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर पूरी तरह अलग हटी हुई है। खैर यह बात तो वो उनकी नहीं है, वो आगे जो उन्होंने लिखा है उन्होंने, खैर मैं इसी 2 लाइन को ही जो है ले रहा हूं। वो कह रहे हैं कि समकालीन हिंदी कविता महत्वपूर्ण और महत्वहीन रचनाओं के आंदोलन में गीत परंपरा नवगीत के निकाय में परिणत पाने को सचेष्ट। ये नवगीत का निकाय क्या होता है? नवगीत के निकाय का मतलब क्या है जिसमें गीत परंपरा परिणत पाने को सचेष्ट? क्या पारंपरिक गीत नवगीत का समुच्चय या समूह बन गया? क्या पारंपरिक गीत नवगीत के देह में घुस गया? या पारंपरिक गीत की आत्मा नवगीत के परंपरागत रूप में विलीन हो गई? कहीं नवगीत राजेंद्र प्रसाद और उनके साथियों की स्थानीय संस्था तो नहीं जिसमें पारंपरिक गीत का विलय हो गया, अथवा नवगीत कोई संघ है जिसके हाथ में पारंपरिक गीत जैसे कल कारखाने का नियंत्रण दिया गया और इसके नियंत्रक राजेंद्र प्रसाद सिंह बन गया। यह बात इसलिए कि असल में निकाय प्रयोग हुआ ये लंदन में मजदूर संगठनों के लिए, तो दर्शन जो है वो कल कारखानों पर उन्होंने चक्कल वगैरह पर मजदूरों पर कविताएं लिखी, अच्छी कविताएं लिखी, अच्छे गीत लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद, तो इसलिए कहीं वो जो निकाय शब्द का प्रयोग बहुत समीचीन जो है नहीं है। और इसको कई धर्मयुग में जो है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने एक लेख लिखा है, निबंध लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गीतांगिनी की प्रासंगिकता और उपादेयता पर क्या बात की जाए। उनका यह दावा क्या बात है, आप मुंह मियां मिट्ठू, गीतांगिनी समझदारी के दिवालियेपन का मानक है। संपादक ने 90 के लगभग गीत चुने हैं, उसमें से 3 या 4 ही नवगीत, बाकी सब गीत, अच्छा हो गीतांगिनी का नाम न लिया जाए, इसे आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। ये धर्मयुग 1982 में जो है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद का लेख। तो मैं जो आप ये बात कह रहे हैं कि किसको मानते हैं, भाई मैं मानता तो इस बात को हूं कि सबसे पहले लिखित रूप में राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन गीतांगिनी नवगीत संग्रह नहीं है, वह जो है बहुत ही मतलब उसमें छायावादी ढंग के भी गीत हैं, उसमें छायावाद उत्तर गीत भी है और उसमें 2-3 नवगीत भी है। इसलिए डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का जो ये कहना है नवगीत का मौखिक जो दावा है वह क्या है क्या नहीं, मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पुस्तकों की दृष्टि से देखा तो माध्यम मैं वंशी और मादल, स्वामीनाथ पांडे का गोमती, ये जो ठाकुर प्रसाद का वंशी और मादल और शंभुनाथ का माध्यम है, इसको ही जो है आधार कहा जा सकता कि नवगीत शंभुनाथ ने जो है उसका उन्नयन कर, शंभुनाथ सिंह जी ने विस्तार दिया नवगीत को और इसको स्थापित किया। बिल्कुल ठीक कहा। मैं प्रवर्तक तो नहीं कहता किसी को, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि शंभुनाथ सिंह नवगीत के उन्नायक है, उन्होंने विस्तार दिया है इस विधा को। जी किसी को नहीं मानता हूँ, प्रवर्तक तो अगर कोई है तो वो निराला, लेकिन नायक उसके जो है शंभुनाथ सिंह ही है, कोई दूसरा नहीं। सर अगला प्रश्न है कि नवगीत को स्थापित करने वाला अब तक का सबसे प्राथमिक संकलन कौन सा है? आपकी एक समीक्षा की कृति है नवगीत का दस्तावेज, इसमें क्या कवियों को आपने गीतकार मानकर समीक्षा की है? गीत का दस्तावेज एक प्रामाणिक समीक्षा के रूप में आपके द्वारा दिया जाने वाला
प्रमाण पत्र है। ऐसा है कल्पना जी कि न मेरी औकात है प्रमाण पत्र देने की और न मैं प्रमाण पत्र देने वाले लोगों का। असल में नवगीत का दस्तावेज जो उस किताब का नाम रखा गया वो इस आधार पर मैंने उसका नाम नवगीत का दस्तावेज रखा है कि शंभुनाथ सिंह ने नवगीत के 3 दशक निकाले। मैं ऐसा मानता हूं कि नवगीत की प्रतिष्ठा में और उसकी स्थापना में जो योगदान सप्तकों का है, तार सप्तक और बाकी जो 2 सप्तक दूसरा और तीसरा, जो योगदान उनका है वही योगदान नवगीत की स्थापना में प्रतिष्ठापना में नवगीत दशकों का है। कारण हमने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया, सर्टिफिकेट तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने ही दे दिया। कारण क्या है कि देखो गीतांगिनी की बात हो गई, गीतांगिनी किसी भी तरीके से नवगीत संकलन नहीं। अब दूसरा जो प्रयास हुआ है वो महेंद्र शंकर और उनका चंद्रदेव सिंह और महेंद्र शंकर का है जो 5 जोड़ बांसुरी के द्वारा आया है। तो 5 जोड़ बांसुरी एक ऐसा संकलन है जिसमें बच्चन से लेकर के माहेश्वर तिवारी को एक साथ रखा गया, मतलब बच्चन के गीतों का और माहेश्वर के गीतों का कोई तारतम्य जो है, ये जो एक परंपरा है बच्चन की परंपरा, पारंपरिक गीत धारा की परंपरा है, और बच्चन से लेकर सबसे छोटे कवि जो है नौजवान कवि उस समय के कबूमर के माहेश्वर उसमें है 5 जोड़ बांसुरी, तो फिर वो छायावाद उत्तर गीतों का प्रत्येक संकलन है, वो नवगीत का संकलन नहीं। उसके बाद जो संकलन आया वो संकलन है नवगीत दशक जो 1982-83-84 में है, 5 जोड़ बांसुरी 1964 में आया। तो 82-83 और 64 के बाद जो है, अगर कोई संकलन एक और का नाम आप ले सकते हो तो कविता 64 का नाम ले सकते हो। ओम प्रभाकर की एक पत्रिका रही है जो है, उस पत्रिका को उन्होंने अंक के रूप में कविता 64 के विशेष अंक के रूप में निकाला, उसमें दरअसल नवगीत है और उसका जो है क्या नाम है योगदान है कविता 64 का। उसके बाद जो है नवगीत दशक पुस्तकाकार रूप नवगीत दशक ही 3 खंडों में आएगा और उसमें 10-10 कवियों को एक एक खंड में लिया और ये कवि 10-10 वर्ष के कालखंड को लेकर। तो ये जो कवि जैसे जिसमें नईम है, ठाकुर प्रसाद सिंह है, शिव बहादुर सिंह भदौरिया है, देवेंद्र कुमार बंगाली है और रामचंद्र चंद्रभूषण है, देवेंद्र शर्मा इंद्र है और इस तरह से, मतलब जो है ये जो कवि है इनका योगदान गीत को नया करने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है सचमुच ये नवगीत के प्रस्तुतकर्ताओं में रहे। तो उनको उन्होंने पहले दशक में लिया है, इसी तरह से दूसरे दशक में उन लोगों को लिया है जो उसके बाद के दूसरी पीढ़ी के थे, जैसे ओम प्रभाकर थे या माहेश्वर तिवारी है या गुलाब सिंह है या श्री कृष्ण तिवारी है, इन लोगों उमा शंकर हैं, इन लोगों को जो है उन्होंने दूसरे में लिया है। और तीसरे में जो है वो बुद्धिनाथ मिश्र हैं, राजेंद्र गौतम हैं, योगेंद्र दत्त शर्मा हैं, सुरेश हैं और उसका क्या उनका क्या नाम है कुमार रविंद्र हैं और अमरनाथ श्रीवास्तव हैं और राम सेंगर हैं, इन लोगों को जो है उन्होंने लिया है। तो ये जो 30 कवि हैं, इन 30 कवियों को जब मैंने पढ़ा और बखूबी पढ़ा तो निश्चित रूप से अपने समय के परिवेश को रूपायित करने में जो है इन्होंने इनको सफलता मिली है और इनका योगदान है। यह अलग बात है कि किसी एक कवि में किसी एक तरह की प्रवृत्ति विशेष ज्यादा रही हो और किसी कवि में किसी दूसरे तरह की प्रवृत्ति विशेष ज्यादा रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस कवि को जो है क्या नाम है ये मान लिया जाए कि वो छोटा है या
उसको लोकगीत नहीं आता है, उससे लोकगीत से कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बात। कि जब रचनाकार की समीक्षा होती है, रचनाकार का मूल्यांकन होता है, तो उसकी संपूर्ण कविताओं के आधार पर होता है। और आप यह नहीं कह सकते हैं कि किसी रचनाकार की सारी जो कविताएं हैं वो हमारे आपके मानक पर खरी ही उतरेंगी। उसमें से जो है जो कविताएं खरी उतरेंगी और अगर उनमें दम होगा तो उसकी प्रवृत्ति को मानना पड़ेगा। तो ये जो रचनाकार है इनमें नवगीत की जिजीविषा है, नवगीत के निकष पर ये कमोबेश कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नवगीत के निकष पर उतरते हैं। इसलिए शंभुनाथ सिंह ने खुद इन लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया है कि ये अच्छा। नवगीतकार हैं और अच्छा। नवगीत दशक को मैं नवगीत का दस्तावेज मानता हूँ, क्योंकि अच्छा। उसी ने नवगीत के मानक को तय किया है, उसी ने नवगीत का समूचा जो इतिहास वो संक्षेप में जो है प्रस्तुत किया और उसके भविष्य की रूपरेखा को भी प्रस्तुत किया। तो इसलिए उसके आगे दूसरा कोई संकलन हो ही नहीं सकता है, या है ही नहीं। इसलिए नवगीत दशक जो है वो अपने आप में नवगीत का दस्तावेज। रही 10 कवियों को मैंने जो लिया है वो 21वीं सदी के 10 कवि हैं और वे जिस तरह से चर्चित हैं उनकी रचनाओं में जो कुछ है वो मैंने उसमें जो प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा जी, तो बिल्कुल सही सर। आपने सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा में 10-10 कवियों पर लंबी आलोचना लिखी है। ये कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमण, स्वामीनाथ पांडे जी, रमेश रंजन, शांति सुमन, घनश्याम अस्थाना, सत्यनारायण श्याम एवं हरीश निगम है। क्या आपने शंभुनाथ सिंह जी की चयन दृष्टि के प्रमाद को परिष्कृत कर पूर्णता प्रदान की है? अरे भाई, ऐसा बात क्यों कह रही हो? शंभुनाथ जी का के चयन में कोई प्रमाद है यह तो सोचने का मैं साहस भी नहीं कर सकता। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, शंभुनाथ सिंह ने 3 दशक जब निकाले तो 30 कवियों को उन्होंने लिया तो बहुत से लोग जो है नाराज हुए कि हम भी असली नवगीतकार हैं, हम भी असली नवगीतकार हैं, हम भी असली नवगीतकार हैं। अच्छा, ये संकट जो है शंभुनाथ जी के ही सामने नहीं आया, ये संकट अज्ञे के भी सामने आया था। जब उन्होंने जो है 8-8 बरस में वो निकाला, सप्तक जो है निकाले, तो उनके सामने भी ये संकट आया कि भाई हमको क्यों नहीं, हम क्यों नहीं आए, हम क्यों नहीं आए। तो ये बुद्धिमान लोग थे, तो शंभुनाथ वो अज्ञे ने जो है पुष्करणी नाम का एक संकलन निकाला और उस पुष्करणी में उन्होंने जो बचे खुचे लोग थे उनको ले लिया। उसमें उस समय शंभुनाथ जी भी नई कविता लिखते थे जो, और उनकी 3 पुस्तकें नई कविता की है, मन्वंतर, माध्यममय और खंडित से, उनको भी उसमें नहीं लिया था सब तक, पुष्करणी में उनको भी ले लिया जो। शंभुनाथ जी ने भी उसी तरह का काम किया, उन्होंने नवगीत अर्धशती निकाला। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि भाई निराला की गीतिका 1935 में प्रकाशित हुई, तो मैं इसमें निराला से लेकर और 1985 तक उन 81 नवगीतकारों को ले रहा जिन्होंने नवगीत के विकास में जरा भी योगदान किया। इसका मतलब ये नहीं है कि निराला के बाद उन्होंने बच्चन, अंचल और नेपाली को भी ले लिया, उन लोगों को नहीं लिया जिनको उन्होंने नवगीत के विकास में योगदान वाला माना। तो उसमें उन्होंने जो है 81 लोगों को लिया, जो जिसमें धर्मवीर भारती भी है, जिसमें केदारनाथ सिंह भी है और रामदरस मिश्र भी है, इस तरह के महेंद्र शंकर हैं, इस तरह के लोगों के गीत उसमें जो है
और जो सबसे कम उम्र के रिसर्च स्कॉलर हैं जो है, उस समय शायद एमए फाइनल का एग्जाम उसने दिया था, एक महेश आलोक नाम का लड़का है, उसने भी अच्छा गीत लिखा था, उसको भी उसने, तो उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा कि व्यक्ति स्वभाव और व्यवहार बदलने में इतना माहिर है कि एक झटके से जो है उसका पता नहीं चल पाता है। नवगीत कारों के चयन में जो है हमने बहुत लोगों को, हमने कुछ ऐसे लोगों को भी लिया है जिनके बारे में बाद में हमें पता चला कि उनकी पूंजी ही उतनी है जितना मैंने उनको उसमें संकलित किया। या ऐसे भी लोग हैं जिनकी पक्षधरता जो है या जिनकी निष्ठा नई कविता के प्रति है, लेकिन नवगीत में भी आ गए, जैसे अब एक नाम नरेश सक्सेना का ही आप ले सकते। अच्छा। नई नवगीत लिखते थे, नई कविता के हिमायती हो सब कई नाम, उन्होंने नवगीत अर्धशती निकाला। लेकिन उस समय जो ये सच है कि वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमर और उनका क्या नाम है स्वामीनाथ पांडे और शांति सुमन, रमेश रंजक और ये अभी सत्यनारायण है जो अभी बिहार में, इन सबों ने बहुत नए ढंग के और बड़े मजबूत किस्म के लिखे। हमने वो सार्थक कविता की तलाश और नवगीत नामा में पहले नवगीत के निकष निर्धारित किए और उन निकषों पर इनको हमने कसने की कोशिश की। देखो एक बात बहुत स्पष्ट और बहुत साफ, शंभुनाथ सिंह की प्रतिभा, शंभुनाथ सिंह का कविता के प्रति उनकी समझ और शंभुनाथ सिंह की जो नवीन दृष्टि थी उसके मूल में दो तीन कारण। एक कारण तो ये था कि वो अंग्रेजी के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। अच्छा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय उनका जो मूल मतलब वो जो लिटरेचर का विषय होता है, तीन विषय जो लिए जाते हैं उसमें उनका अंग्रेजी साहित्य विषय था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी को भी बहुत मजबूती से पढ़ा था। दूसरा बड़ा कारण ये है कि शंभुनाथ जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो वहाँ जो वैदिक अध्ययन है और जो प्राच्य विद्या का वहाँ को पढ़ाया जाता है वो हेड तो थे हिंदी के, लेकिन उन्होंने ये वैदिक विद्या का भी बहुत गहन अध्ययन किया जो वेदांत और उपनिषद का, इसका भी उन्होंने वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में। और तीसरी बात ये थी कि वो काशी विद्यापीठ प्रोफेसर रहे जो, तो वो निरंतर जो परिवार जो, इसीलिए पुरातत्व में उनकी बड़ी गहरी रुचि रही, पुराकल्प नाम की उन्होंने पत्रिका निकाली, तो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ। और इसी के साथ दिल्ली में देवेंद्र शर्मा इंद्र, देवेंद्र शर्मा इंद्र का जो विशेष पढ़ाई लिखाई या जो विशेष अध्ययन था वह वांग्मय का था और संस्कृत का था, तो देवेंद्र शर्मा इंद्र पर जो है वांग्मय का प्रभाव था, इसलिए उनकी भाषा में संस्कृत निष्ठता है। और कहीं कहीं जो है जहां उनके नए ढंग के गीत है उसमें भी छायावादी शब्दावली के अवशेष है, लेकिन देवेंद्र शर्मा इंद्र में जो सांस्कृतिक चेतना है और देवेंद्र शर्मा इंद्र में जो समकालीनता बोध है उसको भी आप जो है नकार नहीं सकते। मैं बात इस कह रहा हूं कि उस समय देवेंद्र शर्मा इंद्र ने एक संकलन जो है निकाला था, वो कौन चावल पहले चावल और हाँ। उसकी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन वो एक संकलन उस समय उन्होंने निकाला था यात्रा में सात साल। अच्छा। और उस संकलन में उन्होंने संभवतः पांच लोगों को, अगर मैं भूल नहीं रहा तो पांच लोगों को या दस लोगों को उन्होंने उसमें संकलित किया। उसमें कुछ तो नवगीत दर्शक वाले भी हैं जैसे माहेश्वर वगैरह,
कुछ नए लोगों को भी उसमें उन्होंने संकलित किया था, हरीश दिगम को, घनश्याम अस्थाना को, श्याम निर्मम को, और एक दो और लोग हैं जो है शायद इस समय श्याम सुंदर नहीं कोई दुबे थे जो है नाम इस समय मुझे विस्मृति, उनको तो मैंने उस संकलन को भी बहुत मजबूती से पढ़ा था। जितना मजबूती से मैंने दशकों को पढ़ा उतना मजबूती से उनका वह जो संकलन है यात्रा में साथ साथ उसको पढ़ा। दिक्कत क्या है कि जो देवेंद्र शर्मा इंद्र के नए नए चेले वो हरियर धान रुपहले चावल का नाम लेते हैं यात्रा में साथ साथ, या तो उनके आंख से गुजरा नहीं है या उसका नाम नहीं ले पाते हैं जो भी, लेकिन वो बहुत अच्छा संवेद संकलन था जो। तो उसमें जो दो तीन लोग थे वो दृष्टि मुझे अच्छी लगी थी, उनको भी मैंने उसमें जो है लिया है सार्थक कविता की तलाश करना। कहने का तात्पर्य मेरे लिए कि हमने उनके दृष्टि के प्रमाद को नहीं, जो लोग जिन लोगों को उन्होंने अर्धशती में लिया और ये मान करके लिया कि नवमीत के विकास में इनका भी योगदान है, उनमें से 10 लोगों को हमने चुना है, अर्धशती में ये सब लोग हैं, उनमें से 10 लोगों को हमने चुना है और उसमें से 2-3 उन लोगों को भी चुना है जिनको देवेंद्र शर्मा इंद्र ने यात्रा में साथ साथ में लिया और उनको हमने नवगीत के निकष पर कसने की कोशिश की। और वह बात जो है अब वो कितना खरे उतरे हैं कितना नहीं उतरे हैं यह भी हमने लिखा है, लेकिन मेरी जो दृष्टि है उसमें लगभग 90% जो है 85-90% जो है वे लोग सही उतरे हैं, खरे उतरे हैं, इसलिए उन लोगों को मैंने लिया है। मैंने कोई शंभु ना कि हाँ मैं कि दृष्टि में कोई प्रमाद है या कोई भूल है, प्रमाद का मतलब भूल, कोई भूल है ये पकड़ने के लिए या ये करने के लिए। तो सर ये तो अपनी बात हो गई और अभी के लिए अगर जी मेरी बात पूरी हो गई। अच्छा तो फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। अच्छा तो ये इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया, आगे बोल। जी वही मैं कह रही हूँ कि कह रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो। अच्छा 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 तो नवगीत के विकास यात्रा में आप किन तत्वों को बाधक मानते हैं? अरे बाप रे आज सब पूछ डालिएगा यार। बस एक दो प्रश्न और हैं हमारे ये। देखिए कल्पना जी ये कहना इसका उत्तर देना जरूरी है भी और जरूरी नहीं भी है, मैं इसलिए उत्तर दे दे रहा हूं। देखो कुछ लोगों ने नवगीत का काल विभाजन करने की कोशिश की। हमने किसी किताब में हाँ वो जो ओम प्रकाश सिंह ने आलोचना का की किताब जो संकलित की है उसमें हम कहा कि नवगीत का काल विभाजन नहीं किया जा सकता। काल विभाजन जो है वो काल जो है बहुत बड़ी चीज है। आप जो है वो जो आदिकाल है उसको अगर आप जो है करते हैं तो 1400 से जो है काफी मतलब लंबा वो जो है हो जाता है। उसके बाद भक्ति काल 1400 से 1700 का हो जाता है, फिर रीति काल 1700 से, तो इतने इतने 100 वर्षों के काल होते हैं। तो यहाँ आप कौन सा काल विभाजन कर रहे हैं? जो काव्य प्रवृत्तियां हैं छायावाद से लेकर के अब तक वो 10 वर्ष तक चलना उनका मुश्किल हो गया है, वहां काल विभाजन आप क्या करेंगे? वो तो युग विभाजन करेंगे या प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे जो है क्या नाम है कि कह कह बरस कह कह दशक एक एक प्रवृत्तियां रहे। तो मोटी मोटा अगर आप यह मान कुछ लोग कोई कहते कि नवगीत 1970 से अभी नीरजा जी ने ही जो है क्या नाम है अपने परिचय में कहा था जहां से उन्होंने लिया, अब 1970 से अगर नवगीत शुरू हुआ तो समकालीन कविता 64 से कैसे शुरू हो गई भाई? नवगीत अगर 70 से शुरू हुआ तो समकालीन कविता 64 से कैसे शुरू हो गई?
भाई नवगीत का नवोन्मेष तो नई कविता के साथ ही न हुआ है, नवगीत जो है नई कविता का जुड़वा भाई ही न है। तो कहने का मतलब यह है, बात ये मैं कह रहा कि ये अगर मान लिया जाए कि निराला के बाद के जो परवर्ती लोग हैं जिनका नाम लोग लेते हैं, तो अगर उनको मान लिया जाए तो एक मोटी मोटा आप मान लो कि वो जो है नवगीत उभर रहा था या नवगीत पैदा हो रहा था या नवगीत का बीज अंकुरित हो रहा था निराला और उसके बाद। उसके बाद दूसरा जो उसका युग आप मानो, वह यह मान सकते हो जो है कि 1960-65 लेकर के जो है और 1990 तक का यह जो युग है, ये इस युग में जो दशकों का ना हुआ या उसका जो है यात्रा में साथ साथ का ना हुआ या इस तरह की जो पुस्तकें, और इसको अगर इसका एक पुरोधा या नेतृत्व करता मान लो तो वो शंभुनाथ। उसके बाद 90 के बाद जो है 91 में शंभुनाथ जी की मृत्यु हो जाए और नवगीत के क्षेत्र में वैसी ही अराजकता उत्पन्न हो जाए जैसी भारत की राजनीति में अराजकता उत्पन्न हो जाए। अच्छा, वैसी ही अराजकता नवगीत में भी उत्पन्न, 90 के बाद जो है आप देख लो हर व्यक्ति जी जो उस समय जो है रिजेक्टेड माल था, जो रिजेक्टेड माल था नवगीत दशकों के लिए, जो अपने मोटे सारे के सारे संकलन ले जा करके जो वहां शंभुनाथ जी की देहरी पर रख करके नवगीत दशकों में आने के लिए जो है प्रयास कर रहे, ये लोग 91 के बाद ये लोग जो है पुरोधा बन बैठे। अच्छा। और मोटे मोटे संकलन जो मोटे मोटे संकलन निकाल कर और ये घोषणा करने लगे जो है कि नवगीत ये है, ये फला गीत है, ये धमाका है। तो नवगीत को खतरा नवगीत के विरोधियों से नहीं, नवगीत के बाधक तत्व वो है जो नवगीत का नकली बिल्ला लगाकर और नवगीतकार का झंडा लेकर के जो है खड़े हो गए हैं कि हम भी पांचवें सवार हैं, हम भी पांचवें सवार हैं, जो पांचवें सवार की तरह दौड़ रहे हैं नवगीत के लिए बाधक तत्व वो। अब आप हमको बताइए या कोई व्यक्ति बताए, क्या नवगीत के प्रवृत्तियात्मक वैशिष्ट्य हो, नवगीत के वैशिष्ट्य हो 400-500 लोगों को जो है एक किताब में महाभारत इतना मोटा ग्रंथ निकाल करके जो और उसमें जो है इतने लोगों के दुद्दू की चच्चर की संकलित कर दो और 2000 रुपया लेकर के जो है किताब बेचो या 2000 चंदा लेकर के जो है उनको छापो, तो भैया ये बताओ कि अज्ञे ने जो है कौन सा 2000 रुपया लेके संकलन निकाला था, मुक्तिबोध ने कौन सा 2000 रुपया लेके संकलन निकाला था। या तो आप जो है साहित्य का काम कर लो, या तो आप संकलन निकाल लो, और या तो आप व्यापार कर लो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जो है सड़क छाप लोगों को छाप दो और दूसरी तरफ जो है आप ले जा करके उस मानक को भी छाप दो जिसको आज के तारीख में आप जो है क्या नाम है नवगीतकार मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही साथ आप जो है लल्लू को भी छाप दो जो सड़क छाप पप्पू हैं उनको भी छाप दो कहो ये भी नवगीत, और उसी के साथ आप छाप दो आज के तारीख में मान लीजिए जो जिंदा है जैसे सत्यनारायण जिंदा है या राम सिंगर जिंदा है या राजेंद्र गौतम जिंदा है, इन सब लोगों को भी जो है क्या नाम है छाप दो, उसी के साथ जो है क्या सड़क के जगधर साहब को भी छाप दो और कहो कि लो ये मोटा सा ग्रंथ मैंने छाप दिया, सबके सब लोग नवगीतकार हो, बोलो मेरा जय बोलो मेरा जय। तो ये बताइए नवगीत का बाधक तत्व होगा कि नहीं होगा, और अगर छापते हो तो छापो लेकिन झंडा लेके क्यों खड़े हो जा रहे, झंडा लेके क्यों खड़े, ये समकालीन गीत कहां से है, ये समकालीन गीत क्या है, कैसे जो है आप अभी नीरज शर्मा ने जब वो बात कर रहे
वो जो है क्या नाम है नई पीढ़ी की रचनाकार, हाँ, हाँ. एक नई पीढ़ी की रचनाकार, एक नई पीढ़ी का रचनाकार यह कह रहा है कि जब नई कविता में जो है अराजकता उत्पन्न हो गई, उसके किसिम किसिम के भेद हो गए, तो समकालीन कविता की जरूरत पड़ी, ये उन्होंने कहा और ये मैं भी कहता हूं। तो भैया जो है वह तो एक ये मान लिया गया जो है, यह मान लिया गया कि नई कविता समकालीन बोध, जिसको आप समकालीन बोध कहते हो, जिसे आप स्ट्रक्चर में जो है क्या नाम है लाते हो, उसको जो है कहने में वो अक्षम हो गए, ये मान करके ही जो है क्या नाम है सबसे पहला आंदोलन कविता का आंदोलन चला, जिसे जगदीश चतुर्वेदी श्याम परमार और गंगा प्रसाद विमल ने चलाया, कविता का बीजाक्षर नाम से जो है सप्तक की तरह ही संकलन आया। तो यह मान करके जब आया, ये आप बताओ जो है कि किस नवगीतकार ने यह मान लिया कि नवगीत अब अक्षम हो गया जो है अपनी बात कहने, और अगर नवगीत अपनी बात कहने में अक्षम हो गया तो जो मोटा ग्रंथ समकालीन गीत के नाम पर निकालते हो, कोश निकाल रहे हो, जो इंसाइक्लोपीडिया जो निकाल रहे हो, तो फिर उसमें जो है क्या नाम है नवगीत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, नवगीतकारों को क्यों रख रहे हो? तो नवगीत के लिए ऐसे अधकचरे और ऐसे झंडा ठोक करके नेता बनने वाले लोग नवगीत के बाधक, नवगीत के बाधक तक तो राधे श्याम बंधु जैसे लोग हैं जिनको जन नवगीत का ककहरा तक का पता है। क्या तमाशा है भाई, जिंदगी भर आप काम करोगे जो भैया, साहित्य के लिए जो है चिंतन मनन करना पड़ता है, साहित्य के लिए जीवन को साहित्य के लिए ही लगाना पड़ता है, रात दिन उसी को सोचना पड़ता है, पार्ट टाइम का काम साहित्य नहीं है, पार्ट टाइम का काम रचना नहीं। आप एक तरफ जो है क्या नाम है नौकरी करोगे किस चीज की, अभियंत्रिकी की, एक तरफ नौकरी करोगे आप जिंदगी भर जो है क्या नाम है लेखा लिखते रहोगे जो है अकाउंट करते रहोगे, और जब रिटायर्ड हो जाओगे तो कहोगे कि मैं नवगीत का सबसे बड़ा जानकार मैं हूं, आओ तुम लोगों को नवगीतकार बना रहा हूं, आइए कल्पना मनोरमा जी नवगीतकार बना रहा हूं। तो नवगीत के लिए बाधक तक तो वो है, देवेंद्र शर्मा इंद्र विश्वविद्यालय में पीजी कॉलेज में प्राध्यापक थे तो आलू नहीं बेचते, देवेंद्र शर्मा इंद्र किताब नहीं बेचते, शंभुनाथ सिंह जो है आलू नहीं बेचते, किराना का दुकान नहीं किया था, इन लोगों ने जीवन भर चिंतन किया, मनन किया, पुस्तकों के साथ जिंदगी खपाई। शंभुनाथ सिंह का जो है मैं जब वो समग्र संपादित किया हूं तो उसमें उन्होंने एक किताब की भूमिका में लिखा, छायावादी की भूमिका में लिखा कि लिखना मुझे मेरे लिए वैसे ही जरूरी है जैसे सांस लेना। ये जो सोच होती है ये साहित्य का पुरोधा बनाती है, ये साहित्यकार बनाती है। व्यापार करके जो है क्या नाम है दुकानदारी करके साहित्यकार नहीं बना जाता है, नवगीत का प्रस्तुता नहीं बना जाता है। तो नवगीत देवेंद्र शर्मा इंद्र जी की एक बात याद आती है, मिले थे कभी हम उनसे तो उन्होंने यही कहा था कि 1000 किलो पढ़ो तब 1 किलो लिखो, मुझे लगता है कमी हो रही है, उन्हीं की ये लाइन थी कि जब 1000 किलो पढ़ लो तब 1 किलो लिखने की चाहत रखो। तो ये जो चीजें हैं, आलोचक किसी भी रचनाकार के रचना में जो है वो अपने दृष्टि से उसका जो है क्या नाम है समर्थन, पक्ष विपक्ष, कमी बेसी, गुण दोष, ये सब कर सकता है जी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी हाँ। जो जीवन भर की साधना है उस साधना के सामने कोई प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जी आगे सवाल। तो सर अपनी सदी के स्थविर में आपने अज्ञेय और शंभुनाथ सिंह जी की तुलनात्मक समीक्षा की है, इसके पीछे आपकी क्या दृष्टि है? देखो भाई एक बात याद आ गई, एक उदाहरण जो है उनका याद आ गया हम। इंद्र जी का मैं आज ही देख रहा था, खैर बहुत से उदाहरण है, मतलब जो है
वो जो कहने का मतलब कहीं जो बिंबों की सघनता और जो मिथकीय बिंब है या हाँ। जो आदिम बिंब है, हेलो कटे नहीं है ना, आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज, जो आदिम बिंब है या मिथकीय बिंब है जो देवेंद्र शर्मा जी बहुत प्रभावित है, जो वो बात याद आ गई थी, उसको कहीं उद्धृत करना चाहता था लेकिन छोड़ी। आपके प्रश्न का जवाब, कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ, 4:30 होने जा रहे हैं। अच्छा, जब इसमें तो खत्म कर रहा हूँ आपको 60 में। ये जो आपने अज्ञेय और शंभुनाथ जी बात, जी जी देखिए, अज्ञेय और शंभुनाथ पर मुझे लिखने की जरूरत इसलिए हाँ कि करीब करीब अज्ञेय और शंभुनाथ सिंह जो समकालीन, और अज्ञेय थोड़ा बड़े रहे होंगे उम्र, लेकिन लिख रहे थे लोग एक ही युग में, एक ही कालखंड। आप यह नहीं कह सकते जब कोई समकालीन लेखक लिखता है, एक हाँ। साथ लिखता है, एक युग में लिखता है, तो आप यह नहीं कह सकते हो कि इसकी जरूरत हमको है, ये उत्कृष्ट है, हमको इसी की जरूरत है और इसकी जरूरत है। अगर हमें अज्ञेय की जरूरत है तो मुक्तिबोध की भी जरूरत है और शमशेर की भी जरूरत है। इसी तरह से अगर हमें शंभुनाथ की जरूरत है तो हमें देवेंद्र शर्मा इंद्र की भी जरूरत है, और जो है क्या नाम है, इस तरह के दूसरे लोग वीरेंद्र मिश्र हैं, उनकी भी जरूरत है। तो जो समकालीन परिस्थितियां होती है और समकालीन परिस्थितियों का जो दबाव होता है, वह दबाव जो है एक तरह का होता है, एक बराबर का होता है, और हर रचनाकार उससे प्रभावित होता है। अब यह है कि कोई उसको अपने दृष्टि से लेता है, कोई उसको अपने दृष्टि से लेता है। अज्ञेय और शंभुनाथ में जो बात वो यह है कि दोनों एक साथ लिख रहे हैं। अज्ञेय का जो मानस था वह थोड़ा इस मायने में व्यापक था कि वो जो है विदेशों से बहुत ज्यादा संबद्ध और इसके अलावा देश से भी संबद्ध जी। तो जो विदेशी परंपरा है, विदेशी संस्कृति है और जो विदेशी साहित्य है, उसका अज्ञेय पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। अच्छा। और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते वो हर चीज को जो है एक उनका अपना मानक होता था, और वह मानक जो है प्रयोग का मानक होता था, एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंटल मानक होता। अच्छा। पश्चिम के अंग्रेजी का जो आंदोलन है साहित्य में, उसका बहुत गहरा प्रभाव है अज्ञेय, और अज्ञेय जो है अस्तित्ववाद से बहुत ज्यादा प्रभावित, और अस्तित्ववाद की विशेषता ही है कि वो ये मानता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं, अगर होती भी है तो खत्म हो गई। अच्छा। और दूसरा यह है कि मनुष्य अपनी स्थितियों का नियामक होता है, अपनी स्थितियों और परिस्थितियों, और इस तरीके से मनुष्य ही जो है वो अपना निर्माता होता है, मनुष्य अच्छा। का जो होता है, मनुष्य का जो अस्थि जो है वही है, और इसलिए उसमें ये जो जीवन है इसमें दो ही चीजें, एक तरफ मनुष्य का अपना अस्तित्व है और दूसरी तरफ मृत्यु का हार है, इसमें कुंठा है, संतरास है, टूटन है, टूटन है। हर आदमी जो है, जो ये युग है, उस युग में हर आदमी टूट रहा है, हर आदमी घुट रहा है, हर आदमी एक दूसरे को अविश्वास से देख रहा है, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी जो है एक साथ रह के, एक छत के नीचे रह करके अविश्वास है, अपरिचय बोध है, असंभव, ये बात चंद महानगरों तक के लिए सही हो सकती है। लेकिन ये जो समूचा भारतीय परिवेश, इस भारतीय परिवेश में यह बात जो है सही नहीं है, क्योंकि ये जो भारतीय परिवेश है
ये भारतीय परिवेश जो है आज भी अपने लाख टूटन के बावजूद भी रिश्तों का एहसास जो है शादी में, ब्याह में, तीज में, त्योहार में, आज जो है कितना हूँ पढ़ी लिखी औरत हो अगर जो है 4% को छोड़ दीजिए, मणिका मोहिनी मोना गुलाटी टाइप लोगों को जो है, तो बहुत सी महिलाएं जो है हिंदुस्तान की अधिकांश महिलाएं हैं जो तीज का व्रत रहती हैं, जो करवा चौथ का व्रत रहती हैं, जो जीवित पुत्रिका का व्रत रहती हैं। तो यह जो भारतीय परिवेश है, यह जो भारतीय परंपरा है, यह जो भारतीय जीवन पद्धति है, यह जो भारत की सांस्कृतिक चेतना है, वह हमारी जड़ है और ये जड़ इतनी गहरी है कि इसे दुनिया का कोई भी आंदोलन काट नहीं सकता। शंभुनाथ सिंह इस बात के गहरे जो है समर्थक और प्रवक्ता, अज्ञ इसके विपरीत जो है अस्तित्ववाद, मनुष्य के भीतर की जो टूटती परिस्थितियां है उसके, और उसके साथ जो है पश्चिम में जो काव्य आंदोलन चल रहे हैं, जो साहित्य के आंदोलन चल रहे हैं, उसके प्रयोक्ता है और उसका बहुत हद तक जो है वो समर्थक है और उसका उन्होंने प्रयोग किया है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के कारण जो है बहुत सा साहित्य में जो जुगुप्सापन है, जो अश्लीलता है, जो अभारतीयता है, वह साहित्य में चाहे कवि हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, उसमें आई है और उसको लाने का काम अज्ञेय ने किया है, शंभुनाथ ने उसका विरोध किया है। बावजूद इसके इस कालखंड में और इस समकालीन परिवेश में हमें दोनों की आवश्यकता है और दोनों के लेखन से हम प्रभाव कर सकते हैं, यही मैं उस किताब में जो हमने यही दिखाया। सर, नए लेखकों के लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए जो अच्छा लेखन कर सके, या नवगीत हो या कहानी हो या कविता हो, किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखो, नए लेखकों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, साहित्य की विधाओं का जो रूप होता है उसमें अभिव्यक्ति और सोच का जो मानक और जो कथ्य का चुनाव है वह अलग अलग तरीके का होता है। अपने एक उपन्यासकार जो एक कहानीकार जो होगा उसको जो युगीन स्थितियां हैं, युगीन परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को जिस तरीके से वो भुगत रहा है या उसकी अनुभूति वो जिस तरीके से कर रहा है, उस अनुभूति को प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा और उसका जो प्रस्तुतिकरण हो उस प्रस्तुतिकरण में एक नवीनता, एक आकर्षण हो चुका है और ये एक दिन में नहीं आती, ये अभ्यास से आती है, ये सोच से आती है और निरंतर उस पर जो है काम करने से। तो नए लोगों को पहला काम तो ये करना चाहिए, विशेष तौर से गीत लिखने वाले, कहानी उपन्यास लिखने वाला तो फिर भी कहानी उपन्यास पढ़ता है, गीत लिखने वाला जो व्यक्ति उसके साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी, वो कमजोरी ये है कि अगर वो तुक मिलाने उसको आ गए, तुक अगर वो मिलाने लगता है तो दो चार गीत इधर उधर का देख लिया उसने और उसके बाद वो तुक मिलाना शुरू कर देगा और बहुत बड़ा अगर जो है क्या नाम है समझदारी करेगा तो मात्रा बराबर कर देगा, नहीं इससे बड़ी समझदारी करेगा तो कहेगा कि मात्रा की जरूरत क्या है, जो है नई बात लाना है तो मात्रा को हटाओ, और इस तरीके से वो जो है लिखना शुरू करता है। गीतकारों के साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो पढ़ते क्यों पढ़ते नहीं है, क्योंकि दरअसल गीत जो वो सुनने और सुनाने में जो है लोगों को रुचि आती है। हमारे पास बहुत से हमारे शिष्य लोग हैं जो है ये बनारस की बात, वो कहते हैं कि अरे बंद गोष्ठी बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो गोष्ठी में आएंगे तो इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है कि उनके गीत वो पढ़े और उनके गीत पर कोई समीक्षा हो उसमें कि कमी बेसी दे। हम लोगों के जमाने में ये होता था, अब उनको ये उनको सुनिए जो है वाह वाह क्या बात है क्या बात है कह दीजिए और आपका पैर छुएंगे और चले जाएंगे। तो
बहुत से लोग जो है क्या नाम है, ठीक है क्या बात है क्या बात है, कह देंगे आप संतुष्ट नहीं, हम लोगों जैसा आदमी मुंह पर डांट देता है। तो जो सबसे बड़ी गीत लिखने वालों की जो कमी है, गीत लिखने वाले पढ़ते नहीं है। और एक व्यक्ति को मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कभी आप पूछ लीजिएगा किसी जो बहुत गीत लिखने वाला बनता है उसे, पूछ लीजिए कि पुरानी हिंदी के गीत के छंद कौन कौन से हैं, उन छंदों के नाम क्या, जिसमें जो है हमीर रासो खुमानदेव रासो विठल देव रासो या विद्यापति की पदावली या जयदेव का जो है गीत गोविंद, इन सब में जो है कौन कौन से छंद हैं जो है, उन छंदों के नाम क्या है पूछ लीजिए। कारण क्या है कि वो आधुनिक तो पढ़वे नहीं कोई कर रहा है, वो कौन पुरानी हिंदी में जाएगा दिमाग खपाने। हम नए लोगों को यही विशेष तौर से गीत लिखने वाले पढ़े पढ़ना आवश्यक है। हाँ, 10-5 बरस जो है क्या नाम है अपने को मांझे तब कोई दावा करने के लिए आए तो बात बनती है, और नहीं तो इतनी जल्दी है कि रातों रात बन जाइए जो है निराला पंथ समुदाय तो संभव नहीं। और बाकी जो है हमेशा किसी भी लेखन में नया कथ नई भंगिमा और जो कुछ आपके सामने घटित हो उसकी अनुभूति आपको प्रस्तुत करना चाहिए। और उपन्यास तो बिल्कुल चरित्र, आप जिनको ले आए जिन पात्रों को उनके चरित्र का विश्लेषण अगर आप, किस्सा गोई हुई अपने ही उपन्यास में चलता है, तमाम महिलाएं निकल गई हैं उपन्यास, एक का बात लिखती है, पति है वो भी बलात्कारी है, भाई है बहन है, उन सबों में ऐसी ऐसी कहानियां ऐसे ऐसे उपन्यास आ रहे हैं कि माँ बेटे का शारीरिक संबंध दिखाया जा रहा है। तो अगर यही कहानी है और अगर यही उपन्यास है तो फिर तो जो है क्या नाम है उस समाज का मालिक जो वो ईश्वर ही। बिल्कुल सर, तो आपके पीछे उनको लगता कान्हा घूम रहे हैं, आपका पोता है और आपके परिवार और इनके मिला के सहयोग रहता है पढ़ाई लिखाई और लेखन में आपके? नहीं नहीं हमारे यहाँ तो मेरे जिम्मे तो कोई काम वाम है नहीं जी, मैं बहू हूँ तो वो हमारा सब काम वाम देखती हैं करती हैं, बाकी जो वगैरह है काम धाम करने वाले वो सब भी वही है, सबसे बुजुर्ग मैं ही हूँ तो बड़ा हूँ ही तो चलता ही है। और मैं तो बस मेरा जैसे हम अपने प्रिंसिपल के कुर्सी पे बैठते 11 बजे में बैठता हूँ अपने कुर्सी, और फिर जो है हाँ लिखना पढ़ना वो हमारा निरंतर चलता है वो नियम उसमें जो है, और उसमें एक गाना है तो ये उसी में खेल खिलवाड़ करते रहते हैं, मजा देते हैं। तो सर प्रश्न तो हमारे खत्म हो गए हैं, आप कोई अपना मनपसंद गीत सुनाना चाहे तो आप सुनाइए और अब आपको सौंपते हैं मंच, आ गए हैं नीरज जी। बहुत सुंदर चर्चा रही और बहुत अच्छे अच्छे आपने प्रश्न भी बहुत पूछे, विस्तार से नवगीत पे चर्चा हुई है, वैसे तो बहुत विस्तार से बताने वाला विषय है, बहुत लंबा समय लेने वाला, लेकिन फिर भी काफी कुछ समेटने की कोशिश की है आपने। हमारे एक दर्शक हैं, कवि हैं नरेश गुलाटी जी, वो शंभुनाथ सिंह जी की जो 81 नवगीतकारों का संकलन है उसका नाम जानना चाह रहे हैं, उसका शीर्षक नवगीत अर्धशती, क्या नाम, नवगीत अर्धशती, अर्धशती, हाँ नवगीत अर्धशती, नवगीत अर्धशती जी। एक दीपक शर्मा जी हैं दर्शक, उन्होंने पूछा है कि छंदबद्ध कविताओं के बारे में कहा जाता है कि उसमें लेखक संवेदनाएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती, उसे कविता नुमा निबंध कहा जा सकता है, इस बात में कितनी सार्थकता है? छंदोबद्ध के लिए या छंद मुक्त के लिए? उन्होंने कहा कि छंदबद्ध कविताओं के बारे में कहा जाता है कि उसमें लेखक की संवेदनाएं प्रस्फुटित नहीं होती हैं, नहीं हो पाती, इसे कविता नुमा निबंध कहा जा सकता है, छंदबद्ध को कविता नुमा निबंध कहा जा सकता है? समझ
ये तो उल्टी बात होकर पूछ रहे हैं। असल में जी, जिसे आप संवेदना कहते, संवेदना भावना और बौद्धिकता का समन्वय, नवगीतों में इसी भावना और बौद्धिकता का समन्वय होता है, इसलिए संवेदना उसमें नहीं। अब जैसे मैं एक चार लाइन का उदाहरण दे रहा हूं, आप बताइए इसमें संवेदना है कि नहीं। ओढ़ नई उजरौटी गांव गिराव हुए निर्मोही, ओढ़ नई उजरौटी गांव गिराव हुए निर्मोही, सूनी सूनी जगत कुएं की प्यासे गए बटोही, और मैला आंचल पाग पुराने लाज बड़े दिन खोटे, और छानी छपरों बीच छलकने लगे दुबहले कोठे, धनिया गुल की भले दिनों की करती जोहा जोही, ओढ़ नई उजरौटी गांव गिराव हुए निर्मोही। अब आप बताइए इसमें संवेदना है कि नहीं, और पूरी छंदोबद्धता है, या एक और चार लाइन का उदाहरण दे रहा है। महुए नहीं मुकदमे फूले लाठी फले बगीचे, जिनकी बाहें नदी खून की पंच पांव के नीचे, लगुआ की छलनी छाती पर लटके सूद सिरोही, ओढ़ नई उजरौटी गांव के राम निर्मोही। बताइए संवेदना है कि नहीं। लोगों का ये मानना है कि जो उसमें तुकांत होता है ना, तो तुकांत मिलाने के लिए अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो आपने पंक्तियां सुनाई हैं उनमें तो कहीं कोई कमी नहीं है संवेदना की। दीपक शर्मा जी को ये बताइए कि गीत रचना जो है वह सायास नहीं होती, गीत या नवगीत की रचना जो है वह सायास नहीं होती, गीत अंदर से फूटता है, और जब गीत अंदर से फूटता है तो अपने आप तुक भी आ जाता है, अपने आप छंद भी आ जाता है, और उसमें मात्राओं को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये अभ्यास से होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। जब आप जो है उसको निरंतर करोगे, उस पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो अपने आप होता जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं होती। वो जो है जोड़ने का, तुक जोड़ने के लिए या मात्रा जोड़ने का, अपने आप तुक के शब्द आ जाते हैं, अपने आप मात्राएं आ जाती, उतना फिट हो जाता है, लयबद्धता होगी तो अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप सब आ जाते हैं। जी, मीनाधर द्विवेदी पाठक पूछ रही हैं कि सर, अगर उपन्यास या कहानी में ये सब नहीं लिखा जाएगा तो समाज की ये कमियां कैसे उजागर होंगी? अगर स्त्रियां नहीं लिखेंगी तो कौन लिखेगा? आप बता रहे हैं ना कि वो उल्टे सीधे विषय आते हैं आजकल, तो जो समाज में हो रहा है वो ही आ रहा है, तो अगर वो नहीं आएगा मैं तो ये नहीं कौन कह रहा लिखेगा? आप सब लिखिए, लेकिन भैया लिखने के लिए एक कलात्मकता, मैं एक उदाहरण दे रहा इस आज अधिकांश जो महिला लेखिकाएं हैं, मेरे पास किताबें आती हैं, एक उदाहरण दे रहा, बहुत ही चर्चित उपन्यास मृदुला गर्ग का, पूरा तो उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि बहुत अश्लील है, मैं कह नहीं पाऊंगा, पूरा उसको नहीं उद्धृत करूंगा, एक लाइन जो है क्या नाम है उद्धृत करना, मैं लंबे अनुभव से मैं जान जाती कि आज रात महेश मुझे प्यार करेगा, मैं जान गई हूं आज वह मुझे प्यार करेगा, मैं अपने को तैयार कर रही हूं, फिर वो कैसे तैयार कर रही हूं वो बहुत बीभत्स है। उसके आगे वो एक लाइन लिखती हैं कि मैं अपने को इस तरह से धोती हूं जैसे महेश हर हफ्ते अपनी गाड़ी धोता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं महेश की गाड़ी हूं। तो अगर जो वो बात है, जितनी बात उसमें लिखी गई है, बाथरूम का जो वर्णन है, अगर उसको वो ना करके इतने लिखती तो वो संवेदना जो है और मजबूत होती। जैसे अलमा कबूतरी में उनका मुझे अच्छा लगता है मैत्रेयी पुष्पा ने सब लिखते 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 जो है वो उन्होंने लिखा है कि पोखर हो गई अलमा, तो चलिए फिर भी बड़ी गनीमत है जो है कि इतना ही लिख करके उन्होंने जो है वो कर दिया।
बात को जो, लेकिन जब आप जो इधर नई महिलाएं लिखने आ रही हैं, उनके बहुत से उपन्यास मेरे सामने आए, मेरे पास आए, जब वो ये लिखती हैं कि वो है और आज मैं गई, ये हो गया, वो हो गया, उसने ये खींचा, वो फाड़ा, वो किया, वो मेरा पति, और तो भाई आप उसको संकेतों में क्यों नहीं लिखते? ऐसा कोई जरूरी है कि उसको एकदम विभत्स तरीके से लिखो? वो बात संकेत में भी ले आओगे तो ज्यादा कलात्मक तरीके से ज्यादा प्रभावशाली। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बत लिखिए या ये विषय नहीं हो सकते हैं, वो विषय होंगे। उन जैसे उनका अज्ञेय का है, अज्ञेय ने जो है वो जो शशि है, शशि के प्रति जो उनके भाव हैं, चूंकि शशि मौसी की लड़की है इसलिए बहन हुई, उसके प्रति अज्ञेय का फिक्सेशन सेक्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको बड़े कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा बौद्धिकता की आवश्यकता होती। तो आप उस बात को प्रस्तुत करो संकेतों में, कला में, कलात्मकता से, और जिसको समझ जाने के लिए बौद्धिकता की जरूरत हो, नहीं तो फिर जो है वो ऐसे आप सीधे सीधे प्रस्तुत कर दोगे, ला दोगे, तो उसका क्या मतलब, बहुत प्रभावशाली नहीं, अश्लीलता भी कहलाएगा जी। और कोई सवाल? वैसे तो देखा जाए तो स्त्रियां क्या पुरुष भी सभी लिख रहे हैं इसी तरह आजकल तो नहीं, जो भी लोग स्त्रियां ही नहीं पुरुष भी लिख रहे हैं यही सब, लेकिन इस बात पर प्रेमचंद जी का भी मैंने कहीं लिखा पढ़ा था कि जो बात ढक्के की उसमें ज्यादा आकर्षण और ज्यादा वजनदारी होती है, जो कि उघार कर और खोल कर लिखी जाती है, ऐसा मैंने प्रेमचंद जी की बारे में। प्रेमचंद ने जो है, प्रेमचंद ने ऐसा कहीं नहीं लिखा, मतलब अच्छा। जिसे खोल करके, प्रेमचंद ने कुछ भी खोल करके जो है नहीं लिखा। प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता यह है कि जैनेन्द्र जहां जो है विवाह के बाद के प्रेम संबंधों को स्वीकार करते हैं, प्रेमचंद का वर्णन जो होता है वो विवाह के पूर्व के संबंधों का वर्णन होता है, लेकिन उन सारे वर्णनों में भी जो है वो एक तरह की चित्रात्मकता है, एक तरह की सोच होती है जो है वो खोल करके कहीं कुछ जो है नहीं लिखते। प्रेमचंद ने कहीं भी जो है, कहीं किसी बेडरूम का जो है क्या नाम है सीन प्रायः नहीं दिया, और जहां दिया भी है जैसे वो मुंशी तोताराम और निर्मला में जो है, तो मुंशी तोताराम की शारीरिक जो कमजोरी है उसकी ओर संकेत। प्रेमचंद ने कहीं किसी औरत के कपड़े को जो है किसी बेडरूम में उतरवा नहीं दिया। हाँ, ऐसा उनका बिल्कुल मानना है कि जी, आपका बस कहना ये है कि आप सब कुछ लिखिए, जो हो रहा है सब लिखिए, लेकिन कलात्मकता के साथ और संकेतात्मक भाषा में लिखिए, ताकि थोड़ा बौद्धिक, हाँ बौद्धिक एक्सरसाइज थोड़ी पाठक को भी करनी पड़े समझने के लिए। कैसे हम लोग भी अभी हाल में ही एक उपन्यास जो है ने लिखा है, जल्दी ही रात से छप के आ रहा है, तो जैसे उपन्यास तो कोरोना काल खंड, लेकिन अब हम एक विदेश की महिला है अमेरिका की, वो जा रही, तो जब वो कोरोना के लॉकडाउन में न्यूयॉर्क में उतरी है, तो वो देख रही है कि जो है जो बूढ़े टहल रहे हैं वो नहीं है, औरतें जो लड़कियां जो जॉगिंग करती हैं वो सब कहीं नहीं, और वे लड़के अब वहां जो है एक लाइन हमने ही ये लिखा कि और जो शौकिया खड़े रहते थे लड़के जागिंग के नाम पर, जो लड़कियों के हिलते हुए स्तन देखने के लिए खड़े रहते, तो बात हो गई, इतना काफी है जो है इस वृत्ति को ले आने के लिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि इस वृत्ति को लाने के लिए अब इससे भी आगे आप जो है बढ़ जाइए या विभत्स तरीके से। जी बिल्कुल, बस उनका यही एक थोड़ा सा कहना था मीनाधर द्विवेदी जी का कि स्त्री पर ही ज्यादा शोर मचाया जाता है, लिखते पुरुष भी हैं ऐसे ही, लेकिन स्त्री पर ही शोर मचाया जाता है। ऐसा नहीं है, शोर मचाने का हम लोग तो अब जीवन में पैदा ही हुए, जब से आंख जब से खुले तब तक जो है हम लोग डॉक्टर लोहिया के सिपाही रहे, तो हम लोग तो ये आवाजें उठाते थे नर नारी समता की,
बहुत सारी बातें जो है, हम तो स्त्री को उतनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं जितना पुरुष को है, और ये हम लोग कहते हैं, हम लोग करते भी। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखो स्त्रियों ने असल में ये जो स्त्री विमर्श है, इसको स्त्रियों ने तो थोड़ा बहुत जो उनकी अपना जो उनका अपना सिद्धांत, जैसे एक जगह ये लिखा गया है, मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता हूँ सब शब्दावलियां, बहुत साफ साफ उन लोगों ने लिखा है कि बहुत हो गया, पुरुष अगर स्त्री के बारे में लिखता है तो वह मतलब उस शब्द को मैं नहीं कहूंगा, पुरुष चिन्ह की भाषा लिखता है, औरतों को जो है औरत के चिन्ह की भाषा जो है क्या नाम है वो लिखती है, और इससे जो है वो अपनी अनुभूति को बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है। हमारे स्त्री और नर और मादा के जो चिन्ह है वो जो है क्या नाम है, कोई जरूरी है कि उसको आप फूल करके और जो है उसको उस तरीके से लिखें? भाई उसको आप ढक करके भी उस बात को कर सकते। तो जब इस तरह की बात होती है तो उसका जो है क्या नाम है, तो ये होता ही है कि भाई इस तरह की बातें क्यों आती। दूसरी बात, कुछ पुरुष ही ऐसे जो सच्चाई है कि स्त्री को इस नाम पर कि आप स्वतंत्र हो, आप मुक्त हो, आप ये हो, और उसका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा करते, जो इस तरह का नारा देते हैं वो उसका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा करते। तो किसी का किसी से खुला लव हो, मैं डॉक्टर लोहिया की एक बात मानता हूं, दो लाइन बोलूंगा किसी भी औरत के, दुनिया में दो ही पूजनीय है, लोहिया ने कहा, ईश्वर और औरत। ईश्वर को मैंने देखा नहीं, औरत मेरे जीवन में। दूसरी बात वो लिखते हैं, बलात्कार और वादा खिलाफी के अतिरिक्त औरत मर्द के हर रिश्ते जायज, बलात्कार और वादा खिलाफी के अतिरिक्त औरत मर्द के हर रिश्ते जायज, कोई किसी से खुला प्रेम करे, यह बात तो समझती है और समझ में आती है, और उसका जितना बढ़िया वर्णन करे वो भी समझ में आता है, और यह भी समझ में आता है कि अगर कोई पुरुष स्त्री के विश्वास को छलता है, उसे धोखा देता है, उसके साथ जो है उस विश्वास को बलात् समाप्त करता है, तो उस विभत्सता को भी आपको लिखना चाहिए। लेकिन अपने को जो है, जो आपकी अपनी आपका अपना ईगो है, और जो आपका अपना मूल करेक्टर है, और वह करेक्टर यही है कि आपका जो शरीर है वह शरीर जो है कोई बाजार नहीं है, आपकी देह जो है क्या नाम है वो कोई भूगोल नहीं है जो है कि उसमें कितना नदी है, कितना पहाड़ है, कितनी गुफा है, कितना क्या है, ये सब जो है। अब औरतों ने अगर ये औरत की शब्दावली का प्रयोग करेगी, 2 इंच की गुफा, बिस्तर की चैली, अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगी तो वो विभत्स नहीं होगा तो क्या। तो मेरा मतलब जो है यही कहना है, बाकी हमको जो है क्या नाम है इस बात में कोई आपत्ति नहीं, बात बिल्कुल औरत के स्वतंत्रता की, उसके मुक्ति की, ये जो पितृ सत्ता है लागू होती है, ये बात पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये जो पितृ सत्ता, ये जो पितृ सत्तात्मक परिवार है उसमें औरत की राय की ये सबका जो है क्या नाम है सम्मान होना चाहिए, उसका वर्चस्व होना चाहिए, ये सब बातें आनी चाहिए जो है क्या नाम है। लेकिन अपने को जो है औरत अपने से अपने को नंगा कर दे, ये थोड़ा सा मुझे जो है अच्छा नहीं लगता। जी, तो आज की चर्चा बहुत सार्थक चर्चा रही, दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा था, ज्ञानवर्धक बातें, हमें भी नवगीत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। लिखते तो हम भले ही रहते हैं लेकिन इतनी गूढ़ जानकारी हमें भी नहीं है क्योंकि लिखना और आपकी तरह आलोचनात्मक तरीके से बातों को रखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आज बहुत सार्थक चर्चा रही है, और भूमिका आपकी बड़ी सार्थक, और विशेष तौर से आपने मोहनलाल तिवारी का जो वर्णन किया, का जो उदाहरण दिया, हमारे सीनियर मित्र थे, हम उनसे उम्र में छोटे थे, जो मेरे घर रोज मेरी पत्नी थी, काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर, तो रोज जो है मेरे घर पर वो आते थे और काफी बातें होती थी,
और वो जनवादी लेखक संघ के महामंत्री थे और हम लोहियाइट थे जो है, तो मार्क्सवाद और आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया की बातों पर चर्चाएं होती, मुझे अच्छा लगा आपने, और उन्होंने नवगीत के बारे में खूब लिखा, शंभुनाथ जी के बड़े सहयोगी थे वो मार्क्सवादी, उन्होंने बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे आप मोहनलाल तिवारी को जानती? नहीं मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो पढ़ाई है बस, पढ़ के ही जाना है। अच्छा एचयू में थे मोहनलाल। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मनोहर कल्पना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आई के सर को भी आनंद आया होगा उत्तर देने में। नहीं नहीं बहुत बढ़िया रहा जो है, और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत धैर्य पूर्वक 2 घंटे सब तक हमें सुना है आज लाइव में, बहुत लंबी चर्चा हो गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मेरी ओर से, वनिका पब्लिकेशन परिवार की ओर से। तो फिर कभी कहीं मिलते हैं किसी और चर्चा के साथ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप ही थे उस दिन फोन पे, है ना?